कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरु देव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन को जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हीरंबर हर दमम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गण नायक गलता ना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गण नायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन झावे गर्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज आज गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय झावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा झावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अनारा न्यावे से फसी। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साही कर जोरू विनती करू। दरू चरण पर शीशे। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि पूर्ण। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जा मैं गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देव सुख। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आखों रोए।
चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। हे गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारद, तिनके हृदय न समा। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनि हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नकसिक बड़े विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी, पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, हम सब के पिता हैं। हम अपनी गलती के कारण, हम अपनी नालाकी के कारण इस काल के जाल में फंस गए हैं, और हम अपने परम पिता सर्व सुखदाई दयालु परमात्मा से दूर हो गए। परमात्मा की परिभाषा क्या है? परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा। अपनात्मा यहाँ के मालिक को परमात्मा कैसे कहे? इस ब्रह्मांड के अंदर जो जुल्म हो रहा है जीव के साथ, कोई कुत्ता बना है, कोई गधा बना है, कोई किसी योनि में कष्ट पा रहा है, मनुष्य है कोई सुखी नहीं, मनुष्य जीवन में कोई सुखी नहीं, किसी का हाथ कट गया, किसी कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है। पहले तो ये मन एजेंट छोड़ दिया इसने, इस आत्मा के ऊपर एक मिसगाइडर छोड़ दिया, इसका गाइड बना दिया, लेकिन ये करता है मिसगाइड। इसको अपने स्वार्थवश और जीव को यहाँ फंसाए रखने के लिए और परेशान करने के लिए इसने मन के को अपना एजेंट छोड़ रखा, आत्मा के साथ जोड़ दिया। गधे और गाय को एक ही रस्से से बांध दिया टाइट। अब दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर होता है, गाय और गधे के। आत्मा गाय है, मन गधा है, इसकी सारी उल्टी नेचर है। आत्मा की नेचर इसके विपरीत है, वो सीधा साधा अपने अच्छे काम करना चाहता है, परमात्मा भक्ति चाहता है। तो पहले तो ये मन सारी बकवाद करवाता है, देखो भोजन कितना सुंदर आहार है, खाना बनाओ, रोटी बनाओ, हलवा बना लो, पूरी बना ले, कचौड़ी बना ले, सब्जी दही बड़े, किशमिश काजू सेब संतरे, कितने सुंदर आहार है। लेकिन इसने कर्म बिगड़वाने से मतलब है बीड़ी बीड़ी पी पिवाओगा, जब बस सीख लेंगे एक दूसरे ने, कितना आग लग गई सारे के। बताया बीड़ी पीण की चीज़ है, उक्का पीने की वस्तु है, और ये मांस खाते हैं एक जीव को मार के, अंडे फोड़ के खाते हैं, अंडे का अंदर से निकला हुआ वो पदार्थ उसको देख के भी उल्टी गिर जाए, ऐसा गंध है उसमें, और उसको मुँह का ला कर फोड़ के पी जाते हैं, और तेरा गजब। तो ये मन सारे कुक्रम करवाता है, शुक्रम नहीं करवाता। और फिर जैसे कोई चोरी करता है, कोई डाके मारता है, कोई हत्याएं कर देता स्वार्थवश पैसे के लालच में,
और फिर उसको भोगने पड़ते हैं। अब ये काल क्या कहता है कि मैंने तो एक न्यायाधीश बैठा रखे है और उसको आदेश दे दिया है कि जो जैसे कर्म करे वैसे फल दे दे। अब ये कर्म तो आप गलत करवा देता है और फिर सजा का पात्र प्राणी खुद होता है। तो जिस कारण से यहां कितना कष्ट हमारे ऊपर आया हुआ है, अभी बताया आपके किसी की बेटी मर गई, किसी का बेटे की मृत्यु होगी, कोई स्वयं किसी बीमारी से ग्रस्त है, कोई किसी टेंशन से, या क्या बुरा हाल है प्राणी का, एक्सीडेंट के दुर्घटना के अंदर पूरा परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, किसी को कैंसर है, कोई किसी रोग से ग्रस्त है, कोई किसी टेंशन से ग्रस्त है। इस स्थिति को देखकर क्या यहाँ के भगवान को, क्या यहाँ के मालिक को भगवान कह सकते हैं? क्या ये परमात्मा कहने योग्य है? कभी नहीं। ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा का अर्थ है जो दुख ना दे, सुख ही सुख दे। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभुओं की पहचान बताई। तीन पुरुष, सर्पुरुष, रक्षर पुरुष तो ये नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान है, ये भी दुखी हैं, जन्म मृत्यु जहाँ वह दुख ही दुख है। फिर 17वें श्लोक में कहा, 15वें के में कि उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो दयालु भगवान, वो श्रेष्ठ प्रभु, उत्तम पुरुष, उत्तम माने अच्छा, अच्छा भगवान। तो इसे सिद्ध है कि ऊपर वाले अच्छे नहीं है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम कहा, उत्तम पुरुष कहा। और फिर कहा कि इसको परमात्मा कहा जाता है, इसको परमात्मा कहा जाता है, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारतः, ये परमात्मा कहलाता है। यह लोक तर्य आविश्य विवर्ति अवैश्वर है, ये तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, ये है वास्तव में अविनाशी परमात्मा परमेश्वर। अब 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में अक्षर पुरुष लिखा है। अक्षर पुरुष, अक्षर का अर्थ सर माने नाशवान, सर पुरुष तो ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसे ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं। और अक्षर पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी प्रभु, अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है, लेकिन ये फिर नाशवान भी कहे हैं, इनके और इनके अंतर्गत जितने प्राणी सबका सब नाशवान है। अब जैसे, और फिर कहा 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में गीता जी में कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरत, यह लोक त्रमावि से विवर्ती अवय ईश्वर, अवय माने अविनाशी, जिसका नाश ना हो। वास्तव में वो तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, वो है अविनाशी। अक्षर पुरुष भी अविनाशी कहा, लेकिन यहाँ डिफाइन किया है गीता ज्ञानदाता ने, क्योंकि ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है जो इस ब्रह्म को दिया था परमात्मा ने वेदों में। वेदों वाला ज्ञान इस काल ने, ब्रह्म ने स्वयं बोलना पड़ा उस मालिक के आदेश से। तो इसमें कहा कि वो है अवय ईश्वर है, अवय माने अविनाशी। अब अक्षर का भी अर्थ अविनाशी होता है, लेकिन ये कैसे अविनाशी अक्षर पुरुष कह दिया, इसका यहाँ थोड़ा सा विस्तार से विवरण देना पड़ेगा। जैसे सर्पुरुष यानी ब्रह्म, सर्वब्रह्म, इसकी आयु कितनी है? अब एक ब्रह्मा जी की आयु सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। 4 युगों की एक चतुर्युगी होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इसका कुल योग सभी वर्षों का 43,20,000 वर्ष होता है। इसको एक चतुर्युगी कहते हैं, चतुर्युग कहते हैं। ऐसे ऐसे 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन इतनी ही रात्रि होती है, और ऐसे बने हुए 30 दिन रात का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष, ओहो, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु, ऐसे 100 वर्ष की।
अब ब्रह्मा जी से सात गुना विष्णु जी की यानी 700 वर्ष ऐसे बने हुए और विष्णु जी से सात गुना शिव जी की आयु अधिक 4900 वर्ष की 4900 वर्ष ऐसे बने हुए और फिर उसके बाद इन तीनों की मृत्यु होती है और जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु से पहले ही ये सर्पुरुष यानी काल अपनी पत्नी दुर्गा के संयोग से एक पुत्र उत्पन्न कर लेता है उसी समय उसको कोमा में रखता है। वर्तमान ब्रह्मा की मृत्यु होते ही उसको ऐसे ही रख देगा कमल के फूल पर, फिर उसके नए सिरे से जीवन शुरू होगा। तो ऐसे जब 70,000 बार ये शिव मर जाएंगे जिसकी आयु ब्रह्मा जी से 49 गुना ज़्यादा, यानी 7 गुना तो विष्णु जी की होगी ब्रह्मा से ज़्यादा, विष्णु जी से ज़्यादा होगी शिव जी की 7 गुना, यानी 49 गुना ब्रह्मा से ज़्यादा आयु है शिव जी की, तमोगुण शिव की, काल के पुत्र, ये तीनों ब्रह्म के पुत्र। तो 70,000 बार जब शिव जी की मृत्यु हो लेगी तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और ब्रह्मलोक में यो काल रहता है, ब्रह्म रहता है, इसकी भी मृत्यु होगी और दुर्गा की भी मृत्यु होगी। वो युग होगा एक ब्रह्मांड का जो विनाश होता है 70,000 बार त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं, तो ये एक युग होगा किसका, अक्षर पुरुष का। अपुण्यात्माओं ऐसे ढंग से आपको समझा देगा ये दास इस ज्ञान को, उंगलियों पर आ जाएगा आपके ये सारा। तो ये एक युग होगा अक्षर पुरुष का, ऐसे 1,000 युग की अक्षर पुरुष का दिन और इतनी ही रात्रि, ऐसे बने हुए 1,000 युग का दिन इतनी ही रात्रि, फिर 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की आयु है इस अक्षर पुरुष की। अब देखो पुण्यात्मा इतनी लंबी उम्र है इसकी, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कह दिया। बताओ, और फिर भी इसकी मृत्यु, अब परमात्मा कबीर देव जी अपनी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहते हैं, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। परमेश्वर कबीर देव जी सचिदानंद घन ब्रह्म जी स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, तब अपनी अमृतवाणी में या उनसे जिनको वो मिलते हैं संतों को, वो संत अपनी अमृतवाणी में अच्छी आत्मा जो होती है वो क्या बताते हैं कि इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी तो भी अंत में मृत्यु होगी। क्यों होगी? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। सतगुरु नहीं मिले, तत्वदर्शी संत नहीं मिले, सतगुरु नहीं मिले, जिस कारण से इतनी लंबी उम्र वाला व्यक्ति भी होगा कोई, उसकी भी मृत्यु होगी। तो यहाँ पुण्यात्माओं ये स्पष्ट हो गया कि इसको अक्षर पुरुष इसलिए कहा है कि इसकी उम्र लंबी घनी है। जैसे एक तो सफ़ेद मिट्टी चीनी होती है जिसको चीनी का बोलते हैं कप, वो तो अंडरस्टूड है, हाथ से छूट गया और पक्के फर्श पर गिर गया, गिरते टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये स्थिति तो समझो सर्पुरुष की, ब्रह्म की, और इसके अंतर्गत इतने प्राणी हैं, इनकी इतनी उम्र है। हालांकि हमारे दृष्टिकोण से तो बहुत लंबी उम्र है इनकी, ब्रह्मा जी का एक दिन हो 1,000 चतुर्युग का, एक चतुर्युग में हमारे वर्ष यहाँ के 43,20,000 और फिर 100 वर्ष की उम्र उसकी उत्तरा जो, और फिर भी इनकी उस पूर्ण परमात्मा और अन्य उस तुलना से क्या बताते हैं, ये तो ऐसी उम्र है ब्रह्म तक की, इसकी सती थी इनकी बॉडी की समझो
ये चीनी का बना हुआ प्लेट होया करें, प्लेट है, कटोरी हो, कप है, और अक्सर पुरुष समझो स्टील की बॉडी है इसकी, ये समझ लो चाय पीने का कप समझ लो। अब वो गिर जा तो टूटे नहीं, जल्दी सी वो खराब हो नहीं क्योंकि स्टील है, लेकिन स्टील को भी जंग लगेगा, इस्पात को भी जंग लगेगा, उसका समय बहुत लंबा होता है। इसलिए इसको अविनाशी इसको भी कह दिया, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है, इसका विनाश होगा। और अक्सर पुरुष तो उत्तम पुरुषत्व अन्य है। अब तीसरी धातु सोना होती है, स्वर्ण, गोल्ड। अब उसको ना जर लगे ना कुछ हो, कितने वर्ष रखे रखो, तो ऐसे परमा इन भगवानों की स्थिति से परिचित होने के लिए अब इसको अक्सर पुरुष कहा है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सर पुरुष और अक्सर पुरुष, सर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो इस सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको अक्सर माने अविनाशी भगवान कह दिया। लेकिन फिर बताया कि इनकी मृत्यु है, इनकी भी इनके अंतर्गत जितने प्राणी सबके सथूल शरीर नाशवान है, जीवात्मा मरती नहीं। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते ये लोक तरम अविश्य विभर्ति अवे ईश्वर है, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। गीताजी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि ब्रह्म ने यानी इस परब्रह्म को यहां ब्रह्म ने कहा है, उस परब्रह्म के यहां ब्रह्मा का नहीं, इन्होंने उसका अर्थ ब्रह्मा का रखा, गलत किया है, और उसमें चतुर्युग भी नहीं है, अनुवादकर्ताओं ने चतुर्युग लिख दिया, उसमें ओनली युग लिखा है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद् गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 17 को दिखाते हैं आप, ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 17, इसमें संस्कृत देखो, सहस्र युग पर्यंत, इसमें सहस्र चतुर्युग नहीं लिखा, सहस्र युग पर्यंतम अह मान दिन यत मान जो ब्रह्मणे माने अक्षर पुरुष, यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ इस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की तरफ संकेत, क्योंकि यहाँ आयु से संबंधित है, इसकी आयु है इसलिए इसको परम अक्षर ब्रह्म यहाँ नहीं कहा जा सकता। वैसे ब्रह्मणे का अर्थ बड़ा भगवान, ब्रह्मणे माने ब्रह्म से जो बड़ा है, ये परब्रह्म भी इससे बड़ा है, और परम अक्षर ब्रह्म वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वो भी इससे बड़ा है। तो सहस्र युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मणे विदु, रात्रि सहस्र युग सहस्रांतम, इसमें चतुर्युग नहीं है, ते अहोर विद अहोरात्र विद जना, इसका अर्थ है इन्होंने अनुवाद गलत किया है, इन्होंने यहाँ लिख दिया ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला, जबकि मूल संस्कृत में चतुर्युग नहीं है, ओनली युग है, नोट चतुर्युग, इन्होंने अनुवाद अपने ज्ञान से यहाँ पर घुसोड़ दिया चतुर्युग नहीं, 1000 युग की अवधि है। अक्षर पुरुष की जानकारी है यहाँ पर ब्रह्म से आगे, और इतनी ही रात्रि, रात्रि भी 1000 चतुर्युग नहीं है, ओनली युग सहस्रांतम, सहस्र माने 1000 युग के अंत वाला अवधि वाला, 1000 युग की अवधि वाली रात्रि है, और जो व्यक्ति तत्व से जानता है वह योगी जन अहोरात्रविद वो इसके सही भेद को जानता है, इस दिन रात को सही बता सकता है, जो तत्वदर्शी संत होगा। अब ये स्पष्ट हो गया कि इन्होंने अनुवाद में बहुत गड़बड़ी कर रखी है अपनी अज्ञानता के कारण, यह चतुर्युग नहीं आना चाहिए। अब प्रश्न चल रहा है कि हम दयालु परमात्मा ने छोड़ के इस काल के लोक में आगे, यो दयालु नहीं है, आए है यो तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 21 में अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हो, आप देवताओं को भी खा रहे हो, और
ये ऋषियों के समुदाय झुंड के झुंड हाथ जोड़े खड़े हैं आपके आगे, आपकी स्तुति कर रहे हैं स्तोत्रों के माध्यम से, वेदों के स्तोत्रों से, और आप मंगल कामना करते हैं, बख्श दो बख्श दो। आप तो इनको भी खा रहे हो। अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके कह रहा है कि मैं काल हूँ अर्जुन, और सबको खाने के लिए आया हूँ। और अर्जुन कहता है भगवान कुछ तो आपकी जाड़ा में लटक रहे हो और कुछ को आप खा रहे हो, वो सब तो आपके मुंह में समा रहे हैं। ये खुद का मैं काल हूँ। अर्जुन का तुम तो उनको भी खा रहे हो जो आपकी स्तुति कर रहे हैं। अपुण्यात्मा, जब तक हम इस काल के इंद्रजाल को नहीं समझाएंगे हम भक्ति नहीं कर सकते। हम यही इस काल के ही इस भूर भुलैया में, इसके ये इस चकाचौंध में यही भूले रहेंगे और जीवन व्यर्थ कर जाएंगे। परमात्मा के ज्ञान को समझकर फिर परमेश्वर कबीर देव जी की शरण में रहते हुए, मर्यादा में रहते हुए आप अपनी सच्ची भक्ति करते रहना। आपको यहाँ के सुख भी सबसे ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन वो उतने ही देगा भगवान जितने आपको आवश्यक होंगे। तो ऐसे आप इसका करके देखना, भक्ति भगवान सतपुरुष की। तो कहने का भाव ये है कि वो दयालु भगवान है और ये काल भगवान है जहाँ हम रह रहे हैं। और ये खुद भी कहता मैं सबको खाने के लिए आया हूँ, मैं काल हूँ, मैं प्रवर्त हुआ हूँ। तो यहाँ कोई भी ऐसी व्यवस्था हमें नहीं लगती जिस के हम परमात्मा को दयालु कह सकें, यहाँ के मालिक को हम जिस आधार से ये कह सकें ये भगवान दयालु है। और कोई दयालुता भी करता है तो वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ही यहाँ आता है, हमें विधि बताते हैं और उनके अनुसार हम यहाँ क्रिया करते हैं। तो इस काल का जो नियम है वो भी स्थिर हो जाता है। काल का नियम है कि जिसकी जितनी आयु निर्धारित है उसकी मृत्यु उस समय निश्चित होगी, और जिसको कोई आपत्ति आनी है उसके प्रारब्ध में संस्कार में है तो वो भी उसने भोगनी ही पड़ेगी। और पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर देव जी की शरण में इस दास के माध्यम से यथार्थ मंत्र का जाप करते हुए मर्यादा में रहोगे, आप जी के ऊपर कोई आपत्ति आपके प्रारब्ध वाली नहीं आएगी। और आपकी मृत्यु होनी हो आपके संस्कार में, वह मृत्यु भी नहीं होगी। तो ये है दयालु परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। इस काल के आपत्ति वाले जो इसके हथियार हैं, जो इसके नियम हैं, उनको भी स्टेबल कर देगा, स्थिर कर देगा, जाम कर देगा। अब यहाँ कुछ एक भक्त कहते हैं कि भगवान को दयालु कहते हैं, यहाँ बुरा हाल हाहाकार मचरी है, दयालु कैसा हुआ? जिस लोक में ये कष्ट नहीं है वो परमात्मा वहाँ का मालिक है, और वहाँ जाने के बाद आपको कोई कष्ट नहीं होगा। जरा मरण मोक्षाय मम आस्त्रित यतंती, ये ब्रह्म तत्व विदु अखिल अध्यात्म च कृष्णम, सभी कर्मों को कर्म, सभी कर्मों को और सभी अध्यात्म को जो जानता है और तत्ब्रह्म को जो जान चुका है, वो जरा मरण मोक्षाय तंती, वे जरा और मरण से छुटकारे के लिए ही प्रयत्न करते हैं। मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, तत्वदर्शी संत फिर बताएगा ये ज्ञान जो दास आपको बता रहा है। उस परमात्मा को, तत्ब्रह्म को, परम अक्षर ब्रह्म की महिमा को जान करके फिर तो केवल जरा और मरण से छुटकारे का प्रयत्न ही करेंगे। अब यहाँ जरा माने बुढ़ापा। आज जो युवा हैं और जो आज वृद्ध हैं, अब उन युवाओं को ये ध्यान नहीं कि ये जो आज वृद्ध हैं ये भी कभी युवा थे, और आज इनसे उठकर बैठा नहीं जाता। कभी कोई पीड़ा, कभी कोई आँखों में कष्ट, कभी दांतों में दुख, कभी सिर में दर्द, कभी पिंडी बढ़कर, कभी कमर दर्द, कभी बाई होगी, कभी कफ हो गया, कभी पित्त बढ़ गई, सौ सौ समस्याएं होती हैं।
तो यहाँ परमात्मा बताते हैं कि सबसे बड़ा कहर इस प्राणी पर वृद्ध अवस्था होता है और दूसरा कहर मृत्यु, और दोनों ही किसी को गंवारा नहीं, कोई नहीं चाहता दोनों को, और दोनों कंपलसरी। मृत्यु तो कंपलसरी है ही, बुढ़ापा ना आवे पहले मर जाए तो और घना दुख, छोटे छोटे बालक रह जा। तो यहाँ कहर ही कहर है। तो यहाँ उस सतलोक में जाने के बाद ना बुढ़ापा है ना मृत्यु है, दोनों कहर टल गए, ना ही कोई कष्ट है ना कोई काम है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता मैं काम करूं, यदि बिना किए काम उसको कुछ मिल जावे तो क्या जरूरत है उसने हाथ पैर मारने की। अब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं और बच्चे भी इसी उद्देश्य से पढ़ते हैं, पढ़ करके हम अफसर लग जाएंगे या अधिकारी कर्मचारी लग जाएंगे, हमने ये कठिन काम ना करना पड़े, सभी ये चाहते हैं। पानी भी ना पीना पड़े, पहने वाले नौकर हों। तो कहने का भाव ये है कि ये व्यवस्था नकली है और असली व्यवस्था सतलोक में है, कोई काम नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं, सदा बाहर वहाँ पेड़ वृक्ष काजू किस्म सेब संतरे फल सदा बाहर वहाँ पर बाग बने हुए हैं, वहाँ का जल और दूध कभी समाप्त नहीं होता, खराब नहीं होता, समुद्र के समुद्र भरे हैं, जैसे गंगा का जल जो है सतलोक से आया हुआ है। ये एक एग्जांपल है कि ये कभी खराब नहीं होता, आप कितने वर्ष रख लो। और हम इस परमात्मा की वाणी, कबीर वाणी, और जिस कबीर साहब ने जो वाणी गरीबदास साहिब जी को दिया वो ज्ञान, उस अमर वाणी का हम पाठ करते हैं और वहाँ यहाँ सिंपल जल रखते हैं, साधारण यहाँ का हम जो डेली पीते हैं उस जल को रख देते हैं। परमात्मा की इस वाणी के मंत्र चलते हैं, सत्संग के वचन होते हैं, उसके ऊपर सब मंत्रित होता है। वो उस जल को आप रख दीजिए, एक तरफ रख दीजिए गंगा का जल, एक तरफ ये अमृत जल रखती है, उस परमात्मा की वाणी से सिंपल जल भी वैसा ही बन जाता है। हमारे पास अब भी एक माई ने ला कर दिया, जब हम घर घर पाठ किया करते थे जा करके, इतनी बड़ी बोतल है 2 लीटर की हमारे पास रखी है। अभी सन 1997 में उसका पाठ किया था, 1997, 14 वर्ष हो गए और आज तक वो ज्यों का त्यों है। तो सतलोक में उस परमात्मा की सतीथि है, उपस्थिति है, जिसकी यहाँ भी वाणी से इसे गंदे लोक में भी अमृत बन जाता है सिंपल जल, वही ये जल अमृत गंगा वाला जल वहाँ से आया हुआ है। तो प्रश्न चल रहा है कि हम ये दयालु परमात्मा नहीं है, दयालु परमात्मा सतलोक वाला है, वहाँ जाने के बाद आपको कोई कष्ट नहीं होगा। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी ही सुख का सागर सोई। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। आत्म परमात्मा आकर कहते हैं, ए मन तू यहाँ क्यों उलझ रहा है काल के लोक में। मन के माध्यम से आत्मा को सचेत करते हैं प्रभु के सुख सागर में चल, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौट कर वापस संसार में नहीं आते, यानी वहाँ स्थाई सुख है, परम शांति है, स्थाई सुख है, वहाँ दुख नहीं है। अपने विषय में कहता है कि तूने मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा, गीता ज्ञानदाता कहता है 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, अर्थात यहाँ शांति नाम की चीज नहीं, युद्ध भी करना ही पड़ेगा, लठ बजाना पड़ेगा, मेरी शरण में रहेगा तो। उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो जो साधना बताओ वैसे कर ले, फिर उसकी शरण में चला जाएगा। उसकी शरण में जाने के बाद फिर तू कभी लौट कर संसार में नहीं आओगा और सनातन परम धाम को और परम शांति को प्राप्त होगा, सुख सागर को प्राप्त होगा।
वो सुख सागर कैसा है कि शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई, सतलोक में कोई कष्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं। जैसे कभी कभी एकांत स्थान पर बैठे हों, अकेले हों, और एकदम एक हिलोर उठती है अंदर से, दास के बसात तो बहुत बार होता है ऐसा, उसमें ऐसा लगता है कोई भी चाहे हमें कोई कितना ही कष्ट दे रहा हो, कितना ही हमारे साथ अत्याचार कर रखा हो, उसके प्रति भी दुर्भावना नहीं रहती। एक ऐसी हिलोर उठती है, ऐसी लहर उठती है अंदर से, वह थोड़ी सी देर रहती है, उसके बाद फिर 100 कोशिश करते हैं कि उसी व्यक्ति के प्रति फिर कभी मन में दुख ना हो, उसने हमें बहुत सता रखा है, बहुत कष्ट दिया, दुख नहीं आता उसका, लेकिन फिर वह बात नहीं बनती। तो कहने का भाव है कि ऐसी वो मेहर की लहर थी और उसके जाते ही यहाँ सारे कहर की लहर शुरू हो जाती है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, फलाना ये हो गया, ये कहर की लहर शुरू हो जाती है। तो सतलोक के बारे जानकारी देते हुए परमेश्वर ने कहा कि शंखों लहर मेहर की उपजे वहां कहर नहीं जाए कोई, वहां कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। दास गरीब अचल अविनाशी, अचल जो सदा स्थिर, कभी नष्ट ना हो, चले नहीं, नाश ना हो, अचल अविनाशी सुख का सागर सोई, वो सुख का सागर है। सागर माने समुद्र, समुद्र में जल ही जल, जल ही जल, 100-200 किलोमीटर आदमी चला जा किसी जहाज नौका में बैठ के तो फिर देखो वहाँ कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं देती, केवल जल ही जल, जल ही जल। तो ऐसे ही सतलोक में केवल सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख, कुछ भी नहीं, उसको सुख सागर कहते हैं। और वहाँ दयालु भगवान रहता है और ये काल का लोक है। अब एक बार परमेश्वर ने धर्मदास जी, उस पुण्य आत्मा को, जैसा वो परमात्मा लीला करते हैं, वेद भी जिसकी गवाही देते हैं वो ऐसी लीला करता है, धर्मदास जी को आकर मिले थे और भी अन्य महापुरुषों को मिले हैं। परमात्मा ने परिभाषा बताई थी इस सर्व पुरुष की, इस काल की। अब धर्मदास जी कह रहा था कि भगवान आप इसको काल कह रहे हो, देखो यहाँ भगवान ने कितनी सुविधा कर रखी है कि कैसे अच्छे बाग लगे हैं जिसमें फलदार वृक्ष हैं, कितना अच्छा जमीन पृथ्वी दी है, कैसी हवा बह रही है, कभी वर्षा हो रही है, कितना अच्छा अन्न उपजता है, और किसी कैसी सुविधाएं दे रखी हैं, दरिया बह रही है, नीचे ज़मीन में जल है, ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना दयालु है परमात्मा। अब परमेश्वर ने बताया कि पुण्यात्माओं तुम जीव हो और जीव की सोच सतर जीव वाला ही होता है। अब परमेश्वर ने आके बताया कि तुम जिसको भगवान कहते हो ये भगवान नहीं है, मुल्ला माया मग में बैठी अंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मही करता भाई, एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। परमात्मा कहते हैं ये काल भगवान, काल भी कहता मैं भगवान हूं और कोई भगवान नहीं। पुण्यात्माओं, श्री शिव पुराण में ये काल जब ब्रह्मा विष्णु दोनों का झगड़ा हो जाता है, शिव रूप धारण करके उनके बीच में एक पहले तो लिंग खड़ा कर देता है, सतम डुम्बा तेजो में सतम, फिर स्वयं आता है और कहता है कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, तुम भगवान नहीं हो, मैं भगवान हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है। अब पुराणों में तो वो अपने पुत्रों को, अपने जीवों को अंतर्गत कुछ भी कहता रहे, वो पुराण अलग सेपरेट शास्त्र है, तो उसने कहा कि मैं भगवान हूँ। अब यहाँ ये कह रहा है गीता जी में, क्यों गीता जी का ज्ञान वेदों वाला, वेद का ज्ञान दिया था परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर रखा है, उसने जोंका तू बोलना पड़ गया। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्योत स्वरूपी, ये ब्रह्म भी कहता मैं भगवान हूँ, ये भगवान नहीं है। भगवान की परिभाषा आज बताई जा रही है आपको, सुनिएगा।
अब जैसे परमात्मा ने बताया कि धर्मदास तुम इसको भगवान समझते हो, जो ऐसी सुविधा दे रखी, ये तो काल है, ये तो कसाई है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों में बकरी नर और मादा दोनों छोड़ देता है, और जिसकी अच्छी सेल है प्रतिदिन की 5-4 बकरों की, तो वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा चरागाह ले लेता है, बहुत बड़ा क्षेत्र, 10-20-50 एकड़ ज़मीन खरीद लेता है, और उसमें घास फूस जंगल ये वृक्ष होते हैं, और उसके चारों तरफ वो एक बाड़ बना देता है, रोक लेता है उनको, उसमें छोड़ देता खुले। उसी में एक छोटा सा तालाब बना देता है, उसी अक्षेत्र में एक गर्मी सर्दी से बचने के लिए कुछ एक झोंपड़ी नुमा लंबा शेड डाल देता है। अब वो नर और मादा बकरे और बकरी रजोगुण युक्त होकर के संतानों उत्पत्ति करते हैं, फिर उनमें मोह ममता भी होती है, सभी प्राणियों के अंदर ये तीनों गुणों का प्रभाव होता ही होता है। अब वो बच्चे पैदा करते हैं, सारी सुविधाएं, जल भी है, गर्मी सर्दी से बचने के लिए शेड है उनके लिए, वर्षा आती है तो भी उसके नीचे भाग कर आ जाते हैं, ज़्यादा गर्मी होती है तो शेड के नीचे वो बैठ जाते हैं। अब वो भोले प्राणी उस कसाई को जिसने इतनी सुविधा दे रखी है उसको अपना नेक मालिक मानता है, और ये देख सोचता है कि देख कितना अच्छा हमारा मालिक है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल रखता है, जल का तालाब है, पेड़ पौधे खूब हैं जहाँ वो घास फूस अड़ंगा खाते हैं, और शेड बना रखा है। और जब वो कसाई आता है उन बकरों में, वो तो आके देखता है बाजू पकड़ के, ये कितना मांस हो गया, इसमें कितने किलो का मांस हो गया, कितने का व्यक्ति का, और वो न सोचे हैं हमारा दयालु मालिक आ गया, और वो बकरे उसको प्यार देते हैं, ऐसे चाटते हैं और ऐसे अपने आगे के पैर उठा के और उनको प्यार देना चाहते हैं, इनको प्यार करना चाहते हैं, बहुत अच्छा आदमी है यो, इतनी सुविधा दे रखी है। और वो आता है नो देखने, यो कह किलो का हो गया, कितने का बिकेगा, और फिर वैसे तो वो दिखता है बड़ा दयालु की इतनी सुविधा दे रखी है, और जब उसका आ जाता है डिमांड 5-4 बकरों की इकट्ठी, तो वो ना देखता किसकी माँ है, किसका बेटा है, किसकी बेटी है, मोटे मोटे लाठी लेकर डंडा लेकर ऐसे निकाल ले जाता है और जाके कटवा के अपना उल्लू सीधा कर लेता है, कुछ खुद का खाता है और बाकियों को बेच देता है। जब वो बकरे या बकरी वो ले जाता है निकाल के, उनसे संबंधित जो बकरे हैं वो बहुत कुछ देर तो नो रो रो कर भागते हैं, नो देखते हैं कहाँ गए कैसे गए, रोते रहते हैं, वो लेके चला जाता है। अब परमात्मा ने काल की परिभाषा बताई कि यो काल है, और तुम इसको दयालु मानते हो। दुर्घटना में देखो किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, खुद मर गए, पूरा परिवार का परिवार नाश हो जाता है। एक समय एक दुर्घटना में 4 व्यक्ति मर गए एक ही घर के, अब कहाँ गई वो दयालुता, कहाँ गई ये सुविधा, चाट ले सुविधा ने, इन पेड़ पौधे ने। अब परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम वहां चलो सतलोक में, और वहां जाने के बाद ऐसी ही सृष्टि है, ये गुमराह करने वाला पंथ, ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु, ये सच्चा सौदा सरसा, जगमाल वाली, यो गंगुआ वाला, और ये ठाकुर जी महाराज, यो जय गुरुदेव, ये सारे भ्रमित हैं, ये काल का चलाया हुआ पंथ है। और ये कहते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वहाँ भगवान नहीं है, वहाँ तो आत्मा ऐसे मिल जाती है परमात्मा में जैसे बूंद समुंदर में, बता इनकी अकल है। हम खोद रहे भगवान को, सारे प्रमाण बताने लग रहे परमात्मा साकार है,
उसका सुंदर शरीर है, एक रोम कोप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा उनका नूर है। अरे ये कह वहाँ कुछ भी नहीं है, तो जहाँ भगवान नहीं है तो हम के टिंडे लाएंगे वहाँ जाके, हम के करेंगे गड्ढेंगे वहाँ पर, इसे अनाथ यहाँ पर, इसे अनाथ वहाँ पर, कोई भी कंट्रोलर नहीं हमारा। तो जिसके लिए हम तड़फ रहे हैं, जिसके दर्शनार्थ हम भगवान के दर्शन हो जाए, तो पुण्यात्मा ये वहाँ निराकार बताएं तो कौन जा भाई वहाँ पर, सपने में बिना सोचे कोई जाने की बात करी, मारे मेडिटेशन ला ले सुबह शाम ढाई ढाई घंटे, बता जहाँ भगवान नहीं अडूबिका मरण वाली बात है तो क्यों बैठे हो ढाई घंटे में भी, क्यों समय वेस्ट कर रहे हो अपना, ऐसी गंदी जगह जाना चाहते हो जहाँ आदमी जानते डूबे मरे। अब समुद्र में कोई कह चलो तुम समुद्र में डूब कर मरो, मिल जाओ उस बूंद में, चलियो कोई सा बकवाद करने लग रहे, कोई ज्ञान नहीं, कोई सोच नहीं, अपनी अकल प्रयोग नहीं करते, तो वहाँ ऐसी ही सृष्टि है। लेकिन इस मटेरियल का अंतर है, ये तो मिट्टी का बना हुआ है और पांच तत्वों में लीन हो जाएगा जब ये अंत होगा, इसको फूंक दिया जाओ चाहे गाड़ दिया जाओ, एक दिन ये खत्म हो पांचों तत्वों में लीन हो जाएगा। अब ये पांच तत्वों से बना हुआ है, इसमें कौन कौन से तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, और कोई सा दिखा है इसमें कितना सुंदर स्वरूप बन गया। ऐसे ही वहां एक एक तत्व से बना हुआ शरीर है नूर से, और वो इतना सुंदर शरीर है, 16 सूर्य जितना प्रकाश हमारे शरीर का होगा जब हम सतलोक पहुंच जाएंगे, और परमात्मा के शरीर का जो ये बंदा जल के लगावा इतना नूर है परमेश्वर सतपुरुष के शरीर का, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप के रोशनी के आगे फीके हैं, यानी उनका इतना नूर है, वो समर्थ है, वो सर्वशक्तिमान है, अमित ओजा है, अमित ओजा जिसकी शक्ति का कोई वार पार ना हो। और हम जीव हैं, आत्मा हैं, हम वहाँ हंस रूप में होंगे, हंस माने जैसे यहाँ मनुष्य कहते हैं, नर कहते हैं स्त्री और पुरुष को, तो वहाँ हंस कहते हैं, हंस माने जैसे यहाँ एक पक्षी का नाम हंस है जो किसी सरोवर पर होता है, वो बुगले जैसा होता है सफ़ेद, और बुगला मच्छी खाता है, कीड़े खाता है, और वो हंस नहीं खाता। हंस में एक और गुण है गॉड गिवन, एक गिलास दूध में एक गिलास पानी जल डाल दो, हंस के सामने रख दो, हंस उसमें से दूध दूध पी लेगा, एक गिलास जल को छोड़ देगा। दूध और पानी जिसने छान लिया और बुराई जिसने छोड़ दी वो हंस कहलाता, वो पुण्यात्मा, अर्थात सब बुराइयों से दूर नेक आत्मा को हंस आत्मा कहते। तो वहाँ हंस रूप में हम होंगे और परमात्मा परम हंस है, आत्मा हंस और परमात्मा परम हंस, यानी वो परम हंस है, वो परमात्मा है, वो श्रेष्ठ आत्मा, वो श्रेष्ठ है, वो दयालु है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदारतः, उसको भगवान कहा जाता है, वो है परमात्मा। पुण्यात्मा ये अमृत ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये सत्यनारायण कथा है। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा। हम विष्णु जी को सत्यनारायण कहा करते हैं, बता इनकी तो बहुत छोट बहुत कम आयु है, आपने देख ली इन परमात्मा इन भगवानों की आयु की कैलकुलेशन में भी आपने सुन लिया, और परम अक्षर ब्रह्म की कोई आयु नहीं, वो तो अजर अमर हैं, सृष्टि से पहले भी वही थे, उसी ने सृष्टि रची है। तो कहने का भाव ये है कि जो ये वहाँ पर कहते हैं भगवान वहाँ है कुछ नहीं, तो वहाँ जाने की इनकी रुचि कैसे बनेगी जहाँ भगवान नहीं। अब कोई कहे कि सतलोक आश्रम वाला चलो और वहाँ गुरुजी हैं, गुरुजी नहीं है वहाँ तो सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, ट्यूब ट्यूब जड़े हैं, अरे फिर टिंडे लेना होगे तुम क्या करोगे इस ट्यूब बंद देखने, गुरुजी तो निराकार हैं। तो इनकी ये सोच समझ लो, इतनी एक
एग्जांपल देता हूँ, जो इन अज्ञानी संत, किसी की भी थ्योरी देख लो आप, किसी भी धर्म की देख लो, उनका लोकवेद दंत कथा ये बताता है कि परमात्मा निराकार है, और हमारे सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा सहशरीर है, उसका नाम कबीर है। अब जैसे ईसा मसीह ने कहा था कि ए भोले श्रद्धालुओ, तुम जिन अपने गुरु पीरों को अच्छे आत्मा मानते हो, तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे घरों पर आते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो और वो बहुत प्यार से आपको समझाते हो, बहुत प्यार से रहते हैं, तुम इनको भेड़ समझ रहे हो, शरीफ, ये भेड़िया हैं, ये तुम्हारे जीवन का नाश कर रहे हैं, तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। इस बात का विरोध कर दिया उन नकली गुरुओं ने और उस पुण्यात्मा को क्रश करवा कर छोड़ दिया। ऐसे जालिम हैं ये लोग, और इसी का कारण था क्रोथाकांड इन्होंने कराया। दास ने इनके अज्ञान की खाल तार दी, इनके ज्ञान का अज्ञान का पर्दाफाश कर दिया। इन्होंने सोचा तुम तो कितने जोगे नहीं रहोगे, जनता भी थूकेगी, तुम किसे आचार्य थे, किसे तुम गुरु थे, तुमने कह कह का भी नहीं पता, वेदों का ना गीता का ना किसी और ज्ञान। तो इन्होंने अपना उस अज्ञान को बचाने के लिए इन कैसा जुल्म करवा दिया, क्रोथाकांड, आश्रम छिनवा लिया, सीएम से मिलकर जनता को भ्रमित करवा दिया, गलत प्रचार करवा के, और झूठे केस बनवा दिए हमारे पे। लेकिन अब वो 500-600 वर्ष पुराना भारत नहीं है, शिक्षा का यही लाभ है, सब एजुकेटेड हैं, बहन भाई बेटे बुजुर्ग, और सभी समझते हैं अपने सदग्रंथों को, जिसका परिणाम है कि आज हम फिर आबाद हो गए, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा है, परमेश्वर हमारे साथ है, उस परमेश्वर का चलाया हुआ ये पंथ है, ये मार्ग है। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, ना उनकी गति होती है, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनको कोई सुख होता है, अर्थात यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन, 24वें श्लोक में, 16वें अध्याय की गीता जी, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी जो साधना करनी चाहिए, जो ना करनी चाहिए, वो सदग्रंथ में जो लिखे हैं वही हम आप मान्य होनी चाहिए, अन्य नहीं, किसी की लोक वेद की कथा से स्वीकार ना करना। तो ये जितने भी गुरु जी थे अभी तक हमें लोक वेद सुनाया करते थे, तो ऐसी जो पुण्यात्मा पिछले जन्म की पुण्यात्माएं हैं, उनको मानव शरीर मिला है और वो परमात्मा की तरफ में भटक रहे हैं, उनमें से एक थे शेख फरीद जी, और वो बचपन से ही परमात्मा में बहुत, वैसे बचपन से ही मालिक साथ रहता है ऐसी आत्माओं के, सबको भगवान ढूंढते फिरते हैं, कहते हैं परमेश्वर गोता मारो स्वर्ग में और जा बैठो पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। शेख फरीद जी थे मुसलमान धर्म में, वो पुण्यात्मा छोटे से थे, जब छोटे बालक नटखट गड़े थे, शरारत बहुत किया करते थे, माता भी दुखी हो जाती थी, गली के बच्चों के साथ झगड़ा कराते, उल्हाने आया करते थे। अब माँ ने सोचा अब क्या करूं इस बालक को, क्योंकि आजकल तो बच्चे छोटे छोटे स्कूल भेज देते हैं, माता पिता नर्सरी में दाखिल कराते हैं, वो बालक खिलाने के वहाँ से उनमें छोड़ दिए। पहले तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, घर पे रहते, पिता खेतों में कहीं और अपना काम से चले जाते, कोई मजदूरी के लिए या कोई और, तो माता बच्चों की देख रेख वो स्वयं ही रखती थी। वो शरारत गणी कराया करता, उलाने से तंग आ गई, उसने सोची कि इलाज करूँ इसका। उसने कहा कि बेटा तू नमाज कराया करे, अल्लाह की बंदगी किया कर। शेख फरीद छोटा सा बालक था, कहने लगा क्यों किस लिए करूँ, मुझे क्या मिलेगा। अब वो खजूर गणे खाया करता, खजूर, माता ने कहा कि अल्लाह तुझे खजूर देगा बेटा। बोला सचमुच माता, कहा अल्लाह तुझे खजूर देगा। तो कहने लगा बता मुझे कैसे करना है। अब माता ने तो सोचा ठीक हो गया, अब माता ने कहा कि ले एक कपड़ा बिछा दिया, गद्दा गद्दा गद्दला कोई बिछौना बिछा दिया,
अक बेटा इस पे लेट जा, ऐसा आंखें बंद रखना, कभी ऐसे करना कभी ऐसे करना, ये कहना अल्लाह मुझे खजूर दे, खुदा मुझे खजूर दे, ऐसे कहते रहना, आंखें नहीं खोलनी है, और जब तक मैं ना कहूँ आंखें नहीं खोलना, नहीं तो खजूर नहीं मिलेगा। जब माता का काम का समय होता उसका बिछा दिया बिछोना और कहा बेटा ले प्रार्थना कर, अब वो लग गया अपना ऐसे करने, आंखें खोले नहीं। माँ ने क्या किया कि खजूर थोड़ा सा इतना सारा और दो पत्तों के बीच में लपेट के उसके बिछोने के नीचे रखाई। अब वो माँ ने कहा कि आजा बेटा आंखें खोल दे, माँ का काम हो लिया। इतना वो बैठा रहा घंटा और पौन घंटा जैसा भी, तो उठ के आ गया कि माँ आप तो झूठ बोलते थे, अल्लाह ने खजूर तो दिया नहीं मेरे को। माँ ने कहा बेटा भगवान ऐसे सरेआम नहीं रखता, वो छुपा कर देते हैं, देख तेरे बिछोने के नीचे कहीं ज़रूर अवश्य मिलेगा। उसने वो चद्दर उठा के देखी, खजूर पाया, कूदता फिरे, खावे खूब कूदे, सब ने बतावे आज अल्लाह ने मेरे को खजूर दिया, अल्लाह ने मुझे खजूर दिया। फिर आते इन्हों के माँ अब कब करनी है वह नमाज, जब वो खजूर उसका ख़त्म हो जा एक अगले दिन फिर कह माँ अब कब करना है वो। अब ऐसे माँ ने पा गया उसका तासीर अकियो ठीक सेट हो गया। एक दिन क्या हुआ, वो खजूर रखना भूल गई और वो उठा चद्दर उठाई, वहाँ परमात्मा ने रजा बख्शी, वो खजूर रख दिया ऐसे ही, और वो शेख फरीद खजूर खाता हुआ आ रहा है। जब उसकी माँ ने कह दिया कि आजा बेटा उठ ले, और उसको याद नहीं रहा कि मैं आज खजूर धरना भूल गई, तो उसने बड़ी चिंता हुई कि निकम्मा फिर कभी नहीं करे जे आज खजूर ना मिल लेते, घनी चिंतित होगी वह। उसने देखा वो खजूर खाता हुआ रहा है। माँ ने पूछा बेटा ये खजूर कहाँ से लाया तू? कहने लगा माँ प्रतिदिन अल्लाह दे के जाता है, मेरी चद्दर के नीचे मिलता है मुझे, के सचमुच बता। हाँ देख यहाँ रखा था। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण मता का हूँ मदास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। अब उस बच्चे का बचपन से इतना दृढ़ विश्वास हो गया भगवान में कि परमात्मा तो ऐसे भी देता है। बड़ा होकर के वो बच्चा घर त्याग गया, घर त्याग गया तो उसने एक नकली गुरु मिल गया, उसमें सिद्धियाँ थी, आसपास के क्षेत्र में बड़ा बोलबाला था, वहाँ चला गया। वो फक्कड़ फकीर था, उसको फक्कड़ फकीर बोलते हैं जो अपने हिसाब से अलग साधनाएं करते हैं। एक तो जैसे हिंदू समाज में जो व्यवस्था है भाई गीता का पाठ कर ले, पुराणा का पाठ कर ले, व्रत रख लिए, मंदिर में माथा टेक लिया, एक तो ये साधना। एक दो संत हैं घर छोड़ जाते हैं, धूणा ला कर बैठ जाते हैं, जंगलों बैठ जाते हैं, वो अलग होते हैं, वो भी साधना ही कर रहे माने जाते हैं। ऐसा वो एक संत था, वहाँ चले गए। जैसा भी उस संत ने उस प्यारी आत्मा को मार्गदर्शन किया, वो दृढ़ होकर लग गया, आश्रम में रहने लगे, 8-7 भगत रहते थे। अब जो व्यक्ति घर से निकल कर आया है, घर भी त्याग दिया परमात्मा की तरफ में, फिर उसके पास शेष के रह गया गुरु जी को परमात्मा तुल मान के उसके एक एक वचन का पालन करे, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करे, गुरुदेव की क्रिया न नहीं देखे। और हम तत्व ज्ञान से परिचित ना होने से हम गुरु को अपने जैसा ही मान लेते हैं, अपने जैसा नहीं होता। आप जैसा होता तो आप ही सांग जोड़ देते कि तजा करके, गुरु के ऊपर परमात्मा प्रसन्न होता है। लेकिन कौन से प्रभु का वो जो नुमाइंदा है, जो नर जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, जल सूही मछली चढ़ जाए ये बह जाते गजराज। यानी जिस भी इष्ट की जो साधना करता है वो और सच्चे दिल से करता है, उसके ऊपर उसकी रजा होती है न्यारी। तो ऐसे ही शेख फरीद ने तो परमात्मा पाने के लिए समर्पण किया, गुरु जी जो आदेश दे सिरोधार्य है।
मन में दोष कपट कति नहीं आवे। गुरुजी हुक्का पिया करते थे और शेख फरीद ने कभी छुआ नहीं। वो गुरुजी खुद पीते थे लेकिन दूसरों को हुक्के के लिए नहीं कहते थे, उनके गुरुजी जो थे। अब क्या था, वहाँ पर शेख फरीद अपने गुरुजी का कृपा पात्र हो गया, क्योंकि जैसे भी वो कहें उसमें कोई काम वो त्रुटि छोड़ा नहीं, और अन्य गफलत करते थे उनसे अधिक लगाव उस गुरुदेव का शेख फरीद में था। लगाव का मतलब ये है कि जैसे चार पांच सेवक हैं, और जैसे गुरुजी कहता बेटा जल लाना, एक तो कहता लाऊं हो गुरुजी, और गेर का कंधे बतोलिया नान चला जा, स्नान चला गया, लाऊं हो गुरुजी नाटे भी निर करे भी नहीं, अरे कहते ही दौड़ा आवे अकलो गुरुजी। तो अब गुरुजी उसी को कहेगा बार बार, एक उसको कैसे कहेगा, वो कवे नूर जावे इधर ने। एक थोड़ा सा यहाँ एक चुटकुला सुनाते हैं। दो गुरु चेला थे, दो शाम के समय गुरुजी ने कहा अपने शिष्य से कि बेटा देखना, सोने की तैयारी पकड़ गए, गुरुजी वृद्ध थे, लेट गए चार पाई पर, अब बेटा देखना बाहर वर्षा तो नहीं हो रही है। अब चेला इधर लेटा हुआ था, लेटा लेटा कहता गुरुजी हाँ वर्षा हो रही है। गुरुजी बोला रहे तू बाहर तक गया नहीं, तुझे क्या पता कि बिल्ली भीग का आई है, और बिल्ली की तो नाले में पड़गी होता है पानी के में जल के में। फिर कहने लगा बेटा अरे ये दीपक बंद कर दे, बुझा दे दीपक। चेला बोला गुरुजी आंखें बंद कर लो, हो गया बंद। बोला अच्छा भाई। फिर गुरुजी ने कहा बेटा दरवाजा तो बंद कर दे। गुरुजी दो काम मैंने कर दिए, एक तू कर ले। तो एक तो इसे चेले गुरुजी के, और एक ऐसा हो कहते ही भाग जावे खां जी बाहर गुरुजी कोई वर्षा नहीं है या है, आंख दीपक बंद कर दिया। अच्छा गुरुजी अभी करता हूँ। एक ऐसा शिष्य हो, और एक गुरु शिष्य थे, गुरुजी ने कहा एक दिन एक अपने शिष्य को जो ओविडेंट था जिसको शिष्य कह सकते हैं कि बेटा एक दरिया थी, दरिया के किनारे एक पेड़ था, उस शिष्य से कहा कि बेटा इस पेड़ के चारों तरफ एक चबूतरा बना दे मिट्टी का, मैं सुबह घूमने आता हूँ, मेरा दिल करता है कुछ देर यहाँ बैठकर प्राकृतिक आनंद प्राप्त करूँ। दरिया के किनारे आश्रम आधा किलोमीटर दूर था, वो वहाँ घूमने आता था गुरुजी, शिष्य भी साथ आता। गुरुजी जब वापस आश्रम में आगे गया कस्सी लेकर, और चारों तरफ बहुत सुंदर मिट्टी का चबूतरा बना दिया, चार चार फुट चौड़ा वृक्ष के चारों तरफ, और लीप लाप के ऐसा बना दिया फिट। अब गुरुजी ने वह देखा कि वाह बेटा वाह, वहाँ घूम फिर के दरिया पर स्नान करके वहाँ बैठ गया, चेला बैठ गया नीचे बैठा रहा, वाह भाई वाह। अब अगले दिन कहने लगा बेटा ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसको ढा दे ख़त्म कर दे। अच्छा गुरुजी, अगले दिन उसको कति प्लेन कर दिया। अगले दिन फिर वो दोनों आए शिष्य गुरु, फिर गुरुजी ने कहा बेटा ये चबूतरा वैसा ही बना दे, मेरा दिल करता है यहाँ बैठूँ। चेले ने अगले दिन फिर वैसा ही बना दिया। तीसरे दिन फिर गुरुजी ने कहा कि नहीं इसको वैसा ही कर दे। अच्छा गुरुजी, वैसा ही कर दिया। दो दिन छोड़ कर फिर कहा बेटा मेरा दिल करता है जैसे मैं यहीं बैठूँ, एक चबूतरा बना दे। अगले दिन फिर बना दिया, और फिर दो दिन पीछे गुरुजी ने फिर कहा जगना इसने कर दे ठीक, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा कुछ नहीं दिल लगता है। तो एक और देखा करता वहाँ कोई पाली था, गवाला था, वो कहने लगा उस चेले ने जब वो अगले दिन उसने ढाण आया, उसको प्लेन करना आया, कहने लगा रहा तेरा दिमाग खराब हो रहा है, इस बुड्ढे का तो दिमाग खराब हो रहा है, एक दिन कहे बना दे दूसरा दिन कहे ढा दे, हैं और तू इसकी सारी बात मानता है। तो वो शिष्य बोला भाई इस मारे क्रियाक्रम तो तू परिचित को ना, या मेरी परीक्षा हो रही है भाई,
और इस चबूतरे से कुछ लेना देना को ना। तो कहने का भाव यह कि एक ऐसा शिष्य हो, तो वो ऐसे शिष्यों में तो था वो कौन शेख फरीद, और दूसरे वो थे दो काम मन कर दिए गुरुजी, एक तू कर ले के जमा टूट रहे हैं तेरे। अब ऐसे ही बच्चे को कहा जा बेटा ऐसा कर ले ऐसा कर ले, तो उनको ईर्ष्या होगी कि शेख फरीद को ज़्यादा प्यार करते हैं। अब प्यार के करो काम तो कराना ही है अपना, तो उन्होंने सोचा कि शेख फरीद की ऐसे वो करते हैं जिससे गुरुदेव के ये हृदय से उतर जा। उनको ये चिंता थी कि गुरु जी इस गद्दी का मालिक इसने बनावेंगे। भगवान पाणे आ रहे हैं और फिर इसी कुबाड़ में उड़ जाए वो किसा हंस किसा संत है, गद्दी की भूख जिसमें है शेख फरीद में वो नहीं थी। वो केवल अपना कर्तव्य प्रयाण रहता था, अपने कर्तव्य को मुख्य समझता था। वो तो आया मालिक पाने के लिए था, तो उन्होंने एक स्कीम बनाई कि गुरु जी के हृदय से इसको उतारें, कोई ऐसी गलती हो जिससे गुरु जी से नाराज हो जाएं। अब वहाँ क्या कर रखा था, सबको सेवा देने के उद्देश्य से एक एक दिन बांट रखे थे, पांच छह जितने भी शिष्य थे वहाँ पर। एक दिन एक शिष्य की ड्यूटी लगती थी गुरुजी का, सुबह से लेकर शाम तक सारे काम वही करेंगे, जैसे भोजन बनाना खिलाना कपड़े धोना, और वो हुक्का पिया करता हुक्का पिलाना उसको, उसकी सफाई सफाई कर और काम अन्य कर देते थे। तो एक दिन शेख फरीद की ऐसे चल रही थी रूटीन, तो एक दिन उसकी सेवा आई और गुरुजी क्योंकि ये तपस्वी होते हैं सिद्ध, और तपस्वी में तामस ज़्यादा होता क्रोध बहुत होता है, वो गुरुजी क्या करता था कि रोटी खा कर खाना खा कर हुक्का पीता था शाम के समय भी और दोपहर को भी। शाम के समय एक दिन क्या हुआ कि शाम के समय शेख फरीद का दिन था सेवा करने का, उन्होंने सोचा दिन में तो ये इधर-उधर से ये बना लेगा ओके की आग। क्या करता था वो गुरु, यदि खाना खाने के पश्चात हुक्का 5-10 मिनट में आ गया लिया तो लिया, चला नहीं तो डंडा उठा गए उसके कई मारता था और कई दिन उसको सेवा नहीं देता था, कई दिनों तक इतना कुपित हो जाता था, उक्के का इतना कसूता वो था एबी। अब इस बात का सबको पता था, तो अन्य जो शिष्य थे उन्होंने सोचा कि आज इसकी टर्न है और शाम के समय अग्नि को बुझा देंगे हम, जब यू खाना खिलाने जाएगा गुरुजी को। अब खाना बना के शेख फरीद जी क्या करते थे कि लकड़ी की कोले होते थे उनको तैयार कर जाते थे हुक्का भरने योग्य, आते हुक्का भर के गुरुजी को दे दूंगा खाना खिला के आके, 2 मिनट में 4-5 मिनट में दे देता था। अब खाना खुना खिला के आराम, तो वो आया देखा पीछे से आग बुझ गई, आग थी नहीं उसमें, अग्नि नहीं थी, वर्षा के दिन थे, उसने सोचा भाई होगी होगी आग बुझ गई होगी, नहीं ध्यान गया। उसने सोचा 1 किलोमीटर दूर है गांव, वहाँ धुआं उठ रहा था एक घर में, शाम का समय था, उसने सोचा आज तेरी आज तक की जितनी भी अब गुरुजी के प्रति आपकी गुडविल है वह खत्म होगी और तेरी भक्ति का नाश हो जाएगा, गुरुजी रुष्ट हो गए तो मेरे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। ये सोच कर चलम उठा कर उक्के की स्पीड ठोक दी, फुल स्पीड तक गया जिस घर में धुआं उठ रहा था, और वो माई क्या कर रही थी, वर्षा के दिन थे चूल्हे में अग्नि बालने का जलाने की प्रयत्न कर रही थी, फू कभी धुमा हो जाए कभी आँखों में धुमा आवे पानी पड़े, यानी गिल्ला सापन हो करके वो आग जला रही थी, कभी बुझ जाती थी कभी फिर जला रही थी, यानी उसने आग जला रखी थी ऐसे, वो दुखी हो रही थी। अब शेख फरीद कहा माई अग्नि देना, माई अग्नि देना, अव्वा हो रही थी गुस्से में कि अग्नि नूना वाला आँख फुड़वा ले, आँख फूट गई मेरी तो भी फुड़वा ले आँख तब दूंगी अग्नि। अकले माई चिमटा ले रहा था आँख में गो कर, वो आँख काट के दर्दी, अकले माई अब तो दे दे मुझे अग्नि।
अब वाई ने सोचा रहे तेरा गुद्ध भूत ने सचमुच आँख निकाल दी, वह डर गई, सारी चूल्हे की आग बाहर निकाल दी कि ले महाराज जी ले जा। उनको पता था कि ये जिस आश्रम से आया है वो महात्मा बहुत सिद्ध पुरुष है, उसने जो वचन निकाल दिया तो तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, वह डर गई। अब उसने कुछ नहीं कहा बेचारे ने, उसने क्या किया अपने कपड़ा सा बांध लिया एक आँख के ऊपर के जो निकाली थी और अग्नि रख के, और फिर सपीटते भाग लिया। उधर गुरुजी ने देखा भाई दो मिनट होगी, चार होगी, पांच होगी, दस मिनट जब होगी आवाज लगाई रहा शेख फरीद उक्का भरला बेटा, आवाज नहीं आई। थोड़ी देर पाछे फिर लगाई आवाज, तीसरी आवाज फिर लगाई रहा काकी तो मर गया तू, शेख फरीद कहाँ मर गया तू आज। तब उसने सुने गुरुजी तो भाई नाराज हो लिए, दूर से ही कहता आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। बोला के बात होगी थी गुरुदेव, अग्नि बुझ गई आज और गांव से दौड़ के लाया। आका अच्छा बेटा कोई बात नहीं रख दे, वो कब्र कहो तो पीगस हो गया, और वो जाके अपना एकांत में लेट गया। माई ने सोची जे अब जाऊंगी तब ना जाने महात्मा के कह देगा, सवेरे तक उनका गुस्सा कम हो लेगा। उसने सोचा था यो चेला जाएगा बताओगा वो लाल पीला होया पाओगा। वह माई सवेरे मटके के कापण पर ढक्कन पर वह आँख रख कर लेगी और कहने लगी महाराज जी मेरे पर गलती होगी, सारी कहानी बताई ऐसे ऐसे आपका शिष्य गया था और आग अग्नि मांगे था और मैं दुखी हो रही थी महाराज जी, मेरे से गलती से निकल गया, तू आँख फुड़वा ले, आपके चेले ने आँख निकाल के दे दी या रखी। तो उसने सोचा रहे शेख फरीद गया था, वो बुलाया, बुलाओ भाई शेख फरीद। बाजाया खां जी कि ये क्या कहानी है, क्या हो गया था बेटा। कुछ नहीं गुरुदेव, आपके होते क्या हो सकता आपके दास को। अरे ये माई क्या कह रही है। तब उसने कहा, माई कहने लगी सचमुच ये ऐसे आँख निकाला, ये पट्टी बांध रहा गुरुदेव। बोला सचमुच, गुरु कहने लगा खोल इस पट्टी को। पट्टी खोली तो आँख साबित पाई, पूरी आँख पाई उसकी शेख फरीद की, लेकिन थोड़ी छोटी थी। अपने आत्माओं इस कहानी का, इस कथा का जो निष्कर्ष निकलेगा उस पे ध्यान देना। अब इतने सिद्ध पुरुष होकर भी वो मोक्ष प्राप्त नहीं थे, मोक्ष की साधना नहीं थी। परमात्मा कहते हैं परमेश्वर अपनी अमृतवाणी में कि ऐसी ऐसी 24 सिद्धियां भी आपके पास आ जाएं तो अगर सत साधना नहीं है तो भी आपका जीवन व्यर्थ है। अब क्या हुआ, अब इस बात से और आसपास खूब महिमा होगी उस संत की, भी ऐसा संत है, ऐसा संत ऐसा हो गया। ठीक, कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु होगी संत की, उस महात्मा की। शेख फरीद तो भक्ति के लिए निकला था और वो तपस्या की मार्ग बताता था। अब जो गुरु था वो साधना बताता था कि तप करो, कष्ट दो शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा, तब तुम्हें परमात्मा प्राप्ति होगी, दर्शन होंगे, दीदार होंगे अल्लाह के। अब शेख फरीद वह आश्रम को छोड़ गया क्योंकि वहाँ गद्दी के भूखे थे, उनको गद्दी नहीं चाहिए थी, वहाँ जाकर दूर साधना करने लग गया। अब उसने ये सोचा था कि गुरुजी ने पता बता रखा है ज़्यादा से ज़्यादा तप करेगा, शरीर को कष्ट देगा भगवान, तब तुम्हें दर्शन देगा। 12 वर्ष में उसने 50 किलो अन्न खाया, 12 वर्ष में 50 किलो अन्न। इब देख लो पुण्यात्माओं, एक दिन का कै ग्राम पड़ेगा उसने, एक दिन में 360 वर्ष और 12 वर्ष में देख लो कितना होगा। अपुण आत्माओं ऐसा अल्पाहार करने से उसका शरीर कमजोर घना हो गया, और बाहर बैठे तो कौवे आ जा उसको मर समझ कर उसकी आँखों को खाने के लिए। और कौवों से वो कहता शेख फरीद, जब कौवे आकर बैठ के माथे पे हाथ पर अल्लाह नहीं नो बढ़िया बाहर लेटा हुआ, कभी कुएं में 12 वर्ष लटक्या करता वो,
12 वर्ष कुएं में लटका उल्टा ऊपर वृक्ष की डाले का रस्सा बांध के पैरों का बांध के नीचे लटकन लग गया। 12 वर्ष तक कुएं में लटकाओ, कभी कभी बाहर आ जाता था, थोड़ा बहुत घूम फिर लेता, फिर लटक जाता था। बाहर लेटा हुआ था कौवे आगे। कौवे ने सोचा ये व्यक्ति मरा हुआ है, शरीर पर कहीं मांस नहीं, कति हार्ड हार्ड अस्थि पिंजर दिखाई दे। कौवे बैठ गए माथे पर कि इसकी आँख खा लेंगे, आँखों में है थोड़ा बहुत मांस। जब वो कौवे आकर बैठे, शेख फरीद ने कहा कि कौवे भैया मेरे शरीर पर कहीं मांस तुम्हें मिल जाए वो खा लो, अपना पेट भर लो, पर मेरी आँखें मत खाना, हो सकता है मुझे भगवान का दीदार हो जावे। मेरी आँखें ना खाना, मुझे भगवान के दर्शन की आशा है। यूँ कह के फूट फूट कर रोने लग गया कि भगवान मिला नहीं, सारा जीवन व्यर्थ हो गया, अब पता नहीं कितने दिन का जीवन है। तो सोचा कि अगर बाहर ज़्यादा रहूँगा तो ये कौवे फिर खा जाएंगे। धीरे धीरे पैर रस्सी बांध ली और धीरे धीरे अभ्यास हो रहा था, पकड़ कर लटक गया और फूट फूट कर रो रहा कि भगवान अल्लाह के दर्शन हुए नहीं आपके, और जीवन अंत हो गया, कौन सी त्रुटि बनी मुझ पापी से, गुरुजी ने जो बताया था मैं सब कर रहा हूँ। अब जब ये दशा देखी, कहते हैं जो जन मेरी शरण है, ऐसी पुण्यात्माएं जो हैं वो कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में उनके सानिध्य में साधना किए हुए होते हैं, जब वो तत्वदर्शी संत रूप में पृथ्वी पर विराजमान होते हैं, उसमें इतनी अच्छी भक्ति बन जाती है कि कई जन्मों तक भी वो अगर पार नहीं होते तो यहाँ भटकते रहते हैं, उसकी तड़प रहती है, वो भक्ति अंश समाप्त नहीं होता जैसा आप जी के अंदर है। ये सभी पुण्यात्माएं जो दूसरे पंथों में या धर्मों में या कहीं किसी और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जो जा रहे हैं, ये परमात्मा की भक्ति चाह रहे हैं, कभी ना कभी किसी युग में परमात्मा कबीर देव जी के सानिध्य में भक्ति किए हुए। अब शेख फरीद भी उन्हीं में से उन पुण्यात्माओं में था जो पार होया नहीं। बीच में हम विचलित हो जाते हैं क्योंकि हम भगवान को पहचान नहीं सके, क्योंकि हम सदग्रंथों से परिचित नहीं थे, इसलिए हम विचलित होते रहे। भगवान आकर चले गए, हम यहीं रह गए, वो हम उनके साथ नहीं जा सके क्योंकि हम उनको पहचान नहीं सके, उन पर विश्वास बना नहीं। अब शेख फरीद लटका हुआ रो रहा बुरी तरह। अब कहते हैं जो जन मेरी शरण हो ताका हूँ मैं दास, और गैल गैल ला गया फिर जब लग धरती आकाश, वहाँ खड़े हो गए कुएं पर जाकर परमात्मा, और रस्सा बांध रखा था और रस्से को पकड़ कर यूँ खींच लिया ऊपर ने, जैसे बाल्टी निकाल लिया गए पानी की कुएं से। शेख फरीद जी जब कुएं में लटका करते थे उल्टे, तो कोई ग्वाले आ जाते थे, पाली होते थे, ये शरारती हुआ करें, वो क्या करते थे उस रस्से को पकड़ कर ऐसे हिला देते थे। शेख फरीद कभी इधर जाकर लगता कुएं का, कभी इधर लगता ऐसे, फिर वो यूँ करके बेचारा अपना टाइम पास करता। बच्चे थे, एक दो बार लाल होकर छोड़ कर चले जाते थे। अब उसने सोचा कि आज यू अच्छा उस्ताद आया, इसने तो बाहर निकाल लिया, मैं वो ऐसे बाहर खींच रहा था, परमात्मा ने ऊपर खींच लिया उल्टा लटका हुआ, और कहता है भैया मुझे मत छेड़, तू साधु संतों को दुखी नहीं करते, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, उल्टे लटके लटके बात कर रहा है, मुझे छोड़ दे वापस। परमात्मा ने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? शेख फरीद ने कहा कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, भगवान के दर्शन के लिए मैं साधना कर रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा कि मैं हूँ भगवान, मैं हूँ अल्लाह, मैं हूँ अल्लाह अकबर, वो कबीर अल्लाह मैं हूँ। शेख फरीद कहता है मजाक ना करे, तू अल्लाह नहीं है। परमात्मा ने कहा और अल्लाह कैसा होता है कि वो तो निराकार है, वो दिखाई थोड़े देता है। परमेश्वर ने कहा भले आदमी, जब परमात्मा निराकार है और आप कह रहे हो मैं भगवान के दीदार के लिए डले ढो रहा हूँ, अब देखेगा टट्टू जब के ना साकार है ही नहीं तो क्या देखेगा तू? अब ऐसे कहते हैं यहाँ हरियाणा में कहावत है ज्ञान कर गाम का तो चमका ऐसा व्याकर। अब उसकी एकदम
सारे पुरजे सिद्धे हो गए, शेख फरीद के परमात्मा खड़े सामने, एकदम समझ में आ गया को हो सचमुच परमात्मा कहते हैं एक तरफ तो तू निराकार बतावे बेचून है भगवान, और फिर न कहो उसके दर्शन के लिए मैं डले डो रहा हूँ साधना कर रहा हूँ, तो पहले तेन देख तुम कह के रहे हो और कर क्या रहे हो। तो उसने सोचा शेख फरीद ने भाई काटे का आदमी, सोलह ने बात की विश्वास फिर बिना क्यों भगवान है, पैर पकड़ दिए नू के नू। यह बात उनको याद है कि कुरान शरीफ में ये लिखा कि उसकी बारे में कोई बाखबर बताओगा, तो उसने नू सोची अल्लाह तो यू नहीं हो सकता लेकिन बाखबर जरूर है, यानी तत्वदर्शी जरूर है। इतनी एक ही सेकंड में सारी बात समझा दी कि निराकार को देखेगा कि तू फिर जब निराकार है तो फिर क्यों कर रहा है ये साधना। पैर पकड़ के कहने लगा महाराज मुझे रास्ता बता भगवान का, काजा बता दूंगा। वो खोल दिया रास्ता बैठ गया। कहने लगे परमात्मा बोले इस शरीर के साथ क्यों दुश्मनी कर रहा है तू, ये कहीं लिखा किसी शास्त्र में ऐसा करने से भगवान मिलेगा। शेख फरीद कहने लगे मेरे गुरुदेव ने ऐसा बताया। परमात्मा ने कहा वो गुरुदेव तुम्हारे नकली थे। शेख फरीद कहता है महाराज जी निंदा ना करो गुरुदेव की, अब ये श्रद्धालु ऐसे होते हैं। परमात्मा ने सोचा ज्यादा कह दिया तो यू कति कर्म बिगाड़ देगा। परमेश्वर बोले बेटा इस शरीर से तू शत्रुता कर रहा है, ऐसे भगवान नहीं मिलता। कहाँ जी वो तो मुझे समझ में आ गई कैसे नहीं मिला, तभी तो इतना समय बीत गया। तो परमेश्वर ने कहा आहार कर, प्रथम अंजल संयम राख है, योग युगत सब सतगुरु भाग है, थोड़ा खावे अवश्य खावे, ज़्यादा भी नहीं खावे कि लटके आए जब पेट भर कर कती दड़ी पक्का खा ले, पर इतना भी नहीं खावे कि आंत मुस जा और उस कोडा हो जा शरीर, थोड़ा खावे अवश्य लेकिन सीमित खावे, अल्प मतलब जितना अपना भक्ति के योग्य ही उसमें, ज़्यादा भी नहीं खावे और कति टाल भी नहीं करे। तो धीरे धीरे उसको खाना मालिक ने शुरुआत करवाई, फल आहार करवा कर वो फिर कहा भोजन कर और कर भक्ति, मैं बताऊं तेरे को मंत्र ऐसा कर। तब उस शेख फरीद का कल्याण हुआ। परमात्मा कहते हैं लागी का मार्ग ओर है, लागे चोट काल जा कर के, लागी का मार्ग ओर है, लागे चोट काल जा कर के, लागे चोट काले जा कर के। कहते हैं जिनके लगन लगी उनकी हालत न्यारी होती है, उनके कलेजे में कसक बनती है परमात्मा के पाने की। बन कुए में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा, कुए में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा, तुम चुने चुने कागा खा लियो रे मेरे हाड़ों पर का मासा, तुम चुने चुने कागा खा लियो रे मेरे हाड़ों पर का मासा, मेरे दोने नामत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आसा, मेरे दोने नामत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आसा, जिन करी तपस्या घोर थी वो ओहे आसरे अर्क, वो ओहे आसरे अर्क, वो ओहे आसरे अर्क, लागी का मार्ग लागे चोट काल जा कर के, लागे चोट काल जा कर के, लागी का मार्ग और है, लागे चोट काल जा कर के, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, कदे पालकियों में
चाहल तेरे अज ठालिया गुदड़ बारा को दे पालकियों में, चाल तेरे अज ठालिया गुदड़ बारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा, सोर मचारण वास महना देख्या पीछा फिर के, ना देख्या पीछा फिर के, ना देख्या र पीछा फिर के, ला गी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, ला बन बीच भर तेरी भूप ने एक मारा ताने निशाना, बन बीच भर तेरी भूप ने एक मारा ताने निशाना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना, कोई मुआ मर्ग जवाह दियो नत तारे धरो न बण, कोई मुआ मर्ग जवाह दियो नत तारे धरो न बण, वो जिंदा कर दिया ढोर था सिस बण्या परीक्षा करके, सिस बण्या परीक्षा करके, सिस बण्या परीक्षा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग गोपी चंद जोगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गुरु महल जनाने भेज तेरे भिक डोढ़ी पे अलख जगाना, गुरु महल जनान भेज तेरे डोढ़ी पे अलख जगाना, भोजन छती सो छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन छती सो छोड़ कर भिक्षा का भोजन खाना, तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उधर वर के, ना खाया उधर वर के, ना खाया रे उधर वर के, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ, रही कुछ नकसक बिगड़िया है नहीं बाजीदा अतरज हुआ, कुछ नकसक उठन आड़ी चीज रही ना गया ओढ़ सलानी सुहा, रही उठन वाली चीज नहीं गया ओढ़ सलानी सुहा, कुछ नकसक बिगड़िया है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नकसक बिगड़िया है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, जिन किया अचंबा घोर है तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, लागी का मार्ग
और है लग चोट काल जा करके लागी का मार गे और है लग चोट काल जा करके लग चोट काल जा करके लग चोट काल जा करके पीपा दरिया में कूद गए रजिन कसी करी डेठाई पीपा दरिया में कूद पड़े रजिन कैसी करी डेठाई वो नरपाला जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई वो नरपाला जीत गए रजिन सिर धड़की बाजी लाई कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई कह मंगलानंद चेती और तुम सोच समझ मेरा भाई बिन चेते ये झूठा सोर है कुछ जाइयो सुकरुम करके कुछ जाइयो सुकरुम करके कुछ जाइयो रे सुकरुम करके लोगी का मर गे और है लग चोट काल जा करके अपन आत्माओं ये महापुरुषों की गिनती कराई है इस कवि ने और इसमें उन महापुरुषों का ज्ञान दिया है जिन्होंने परमात्मा के लिए समर्पण किया। अब परमेश्वर कबीर जी कहते हैं ये बातें कहन सुन की नहीं है ये कर पाड़न की है ये गान बजान और कहन सुन तक सीमित नहीं रखना है ये ऐसे करना पड़ेगा। और अब कितना आसान तरीका है परमात्मा के पाने के लिए योगों से प्रयत्न चल रहा है। एक पीपा ठाकुर नाम का राजा था इधर राजस्थान के अंदर गिगनौर शहर का गिगनौर का वो दुर्गा का पुजारी था और उसको दुर्गा जी जो है साक्षात दर्शन देती थी। और एक दिन रामानंद जी चले गए उधर क्योंकि रामानंद जी को परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान का परिचय हो गया था और परमेश्वर ने कहा था कि आपकी बहुत महिमा है आम व्यक्ति आपकी बातों पर विश्वास करते हैं और आप महर्षि प्रसिद्ध हो आप दास ने जो ज्ञान दिया है इसका प्रचार करो। वो परिचित भी हो गए थे परमात्मा को देख भी चुके थे सतलोक में रामानंद जी कबीर जी को। एक दिन रामानंद जी ऐसे फिर प्रचार के लिए जाने लग गए। रामानंद जी उसी शहर में चले गए राजा के यहाँ रुक के। राजा बड़ा धार्मिक था उस दिन कथा सुनाई रामानंद जी ने जो परमात्मा कबीर देव जी ने परमेश्वर जी ने उनको बता रखा था ज्ञान सुनाया सारा। तो पीपा जी ने कहा कि महात्मा जी आपकी बात मुझे जची नहीं कि दुर्गा से ऊपर भी कोई शक्ति है। तब रामानंद जी ने कहा कि आप अपनी देवी से पूछ लेना। अब उसने एक विशेष अनुष्ठान किया करता था जब उसको दर्शन देती थी विशेष अनुष्ठान करवाया दुर्गा प्रकट हुई। दुर्गा से पूछा के माता कोई और भी सकती है तो ये देव जो होते हैं झूठ नहीं बोला करते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ भाई और सकती है पर वह तुझे मिला को नहीं तुझे वो दर्शन नहीं देगी। अब पीपा का खट गया बात है भाई दर्शन वो क्या सारा काम होगा। अब क्या किया रामानंद जी ने फिर कुछ दिन के फिर बाद फिर जाना था वो फिर गए और पूछा कि राजन अब क्या राय है आपकी। तब पीपा जी ने कहा महाराज जी जो बात आप कह रहे थे वह सच्ची है सारी दुर्गा से मैंने पूछ लिया अब मैं तो आपके साथ चलूँगा। परमात्मा ने सोची कि राजा आदमी भाई और यहाँ मेरे साथ वो भी ले आइए तो आगे फिर कभी दुखी करेगा। तो उसको कहने लगा कि राजन ठीक है आपको मैं फिर आऊँगा लेने के लिए आप फिर आना।
अब पीपा ने सोचा कि ये महाराज जी फिर आवेगा और मेरे कसकला गिरी कर डी। कहने लगा महाराज जी मेरा तो पल पल भारी हो रहा है, मैं आपके साथ चलूंगा। बहुत समझाया कि राजन वहां जमीन पर सोना पड़ेगा, लुखी सुखी खानी पड़ेंगी, अग मैं सब कुछ कर लूंगा। फिर उसने सोचा अगवा चल ठीक है, ओले तो त्यार, त्याग दे राज, त्याग दिया। अब उनकी पत्नियां भी तैयार हो ली, तीन पत्नी थी पीपा ठाकुर के, तीन औरतें थी, तीनों तैयार हो ली कि हम भी चलेंगे आपके साथ। अब राजा बोला कि महाराज जी ये तो तीनों तैयार हो ली, यू सांग फिर नो का नू रह गया आगे, ये भक्ति करने देनी मेरे को। रामानंद जी कहने लगे काम कर, इनको न्यू कह दे कि अपने गहने हैं और सब आभूषण हैं, अच्छे अच्छे कपड़े यहाँ छोड़ दो, एक तन पर जो कपड़ा पहन रखा है वो साथ ले ले, कह दे फिर कोई दिक्कत नहीं। उसने ऐसा ही कह दिया सबको। अब तीनों के पास राजा कहने लगा कि अपने आभूषण सब यही उतार दो, सिंगल कपड़े पहन लो, एक एक ड्रेस लेकर चलो मेरे साथ। दो तो ये कहने लगी कि ना जेवर ना छोड़ दूँ मैं, आभूषण ना छोड़ें, इतना सोना इतने बढ़िया हार हम ना चलते। फिर वो तीसरी का नाम सीता था, सीता ने सब आभूषण उतार कर वहीं रख दिए, सिंपल साड़ी पहन ली जो सिंपल सी, और वो तैयार हो ली। अब राजा वापस आया, गुरुजी बैठे थे अलग स्थान पर बाहर, कहने लगे गुरुदेव दो आपत्ति तो टल गई, एक रहेगी वह तैयार हो ली। क्योंकि रामानंद जी को पता था कि स्त्री को अपने आभूषण जानते ही प्यारे होया करें, और जिन आभूषण भी त्याग दिए तो वो भक्ति में बाधक नहीं हो सकती, वो पुण्य आत्मा है, और जब ये त्याग देंगी तो ठीक है कोई दिक्कत को नहीं फिर भक्ति कर लेंगी, और जब यह आभूषणा चिपकी है तो वहाँ पार पड़े को नहीं, आभूषणों के चिपकी रहेंगी तो ये भक्ति योग्य नहीं है। तो दो तो नाटगी साथ चालन तो मना कर दिया, एक फिर भी तैयार हो ली। तब रामानंद जी ना के बता के भगवान दो तो टलगी एक अब भी रहेगी। रामानंद जी कहने लगे मैं चलता हूँ तेरे साथ। रामानंद जी ने कहा कि बेटी ये देखो हमारे साथ चलेगी, वहाँ सौ तरह के व्यक्ति होते हैं, कोई बुरा कहेगा कोई भला कहेगा, बदतमीजी करेंगे, आप यहीं रहो। अक नहीं महाराज जी मुझे भी आत्म कल्याण कराना है। तो रामानंद जी कहने लगे बेटी हमारे साथ चलना है तो कति नी वस्त्र होकर चलेगी। अब सीता बोली जी ठीक है, जब वो साड़ी लागी उतारण कब लो, तब कहने लगे बेटा बस बस बस। तब रामानंद जी कहने लगे, रामानंद जी ने कहा पीपा जी से कि ले ले इस बेटी ने साथ, या तेरा बाधक नहीं पड़ेगी, सहयोग देगी, इसलिए तो कुर्बान होगी सब कुछ, और लोक लाज मरिया जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। तो दोनों चले गए रामानंद जी के वहां रहने लगे। रामानंद जी कहीं बिहार पर चले गए बाहर घूमने के लिए, दूसरी तरफ सत्संग करने के लिए, उनको कहा कि तुम यही रहना मैं 10-15 दिन में आऊंगा। वो दोनों जने आश्रम में छोड़ दिए। उन्होंने सुन रखा था कि भगवान कृष्ण जी की द्वारका जलमग्न होगी, जल में डूबगी। वो दोनों सीता और पीपा दोनों घूम रहे थे, पति पत्नी यानी भक्त भक्तनी। वहाँ एक पाली था, उससे पूछा कि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारका थी यहाँ पर, क्या अब भी भगवान यहाँ रहते हैं? पाली बोला हाँ यहीं रहते हैं, ये अंदर है इसमें, इस दरिया के अंदर है। अब उन्होंने दोनों ने सोचा कि गुरुजी आमे तब तक भगवान को मिलाते हैं, भोले भाले होते हैं भक्त। उसने कम्मे आदमी की बातों में विश्वास कर लिया कि यहाँ है भगवान की द्वारका, नीचे ग्वाल बाल भी है, वहाँ पर खूब खेलते हैं वहाँ पर। उन दोनों ने सलाह मिला ली, गुरु जी आवे तब तक, अब तक यहाँ भगवान से मिलाते हैं, चलो। दोनों ने सोच कर कदम छलांग लगा दी दरिया में। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने उस दरिया के अंदर ही द्वारका रच दी उन भक्तों के लिए। अब 7 दिन वहाँ रहे, ग्वाल बाल भी तैयार कर दिए, केला गए भगवान ने, और श्री कृष्ण का रूप बना के वहाँ घूम रहे हैं। 7वें दिन वो चलन लागे वापस, भगवान हम जावे हमारे गुरुजी आने वाले हैं। तब कहते हैं श्री कृष्ण रूप में परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने
एक अंगूठी निकाल कर दे दी और पीपा जी को परा दी, उस पर लिखा था कृष्ण। अब कहते हैं क्रय करावसाइयाँ, कबीर परमेश्वर ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबका जो भी कार्य है वही करता है। अब वो स्वयं अपनी महिमा नहीं कराता। अब उधर से क्या था, जब उस पाली ने देखा कि दो वो साध्वी और साधु भक्त भक्तनी दरिया में डूब कर मर गए और खेतों में काम कर रहे थे, वो उनको आवाज़ लगाई कि भागियो भागियो, वो बाजे आए 10-20 आदमी, क्या हो गया कि भगत और भगतनी डूब गए नीचे। कैसे डूब गए कि मेरे से पूछ रहे थे द्वारका है यहाँ, मैंने वैसे मजाक कर दिया कि यहाँ है। उन्होंने आपस में सलाह करी, चलो भगवान के दर्शन कराते हैं, दोनों छलांग लगा के डूब कर मर गए। तब उन खेतों और व्यक्तियों ने कहा तेरा भलाओ पनियो के कर दिया नालायक साधु संत भोड़े बाड़े व्या करे, वो बहुत दुख पाया भाई बड़ी गलती बनी है। तो अब सातवें दिन वो पाली वहीं घूम रहा पछताताप कर रहा गया के बनी, वो दोनों निकले नीचे तो अब वो डर गया कि भूत किता है गे। पाली ने सोचा भाई यू के तो कति साथ में आखड़े हो एकदम भागण जोगा भी ना रहा, फिर कहा रे हिम्मत सी करके कहा कि आप जीवित कैसे हो गए। वो कहने लगे मरे कहाँ थे कि दरिया में डूबे नहीं तुम, डूबे वो जो भगवान का भक्ति नहीं करता, हम तो भगवान से मिलकर आए हैं, श्री कृष्ण के साथ घूमे फिरे वहाँ ग्वाल बालों से खेले कूदे। अब उनको निकला देख के उन्हें फिर आवाज़ लगा दी और भाजाओ भाजाओ बाबा बाब, वो दोनों जीवित भागे, वो फिर भागे और दूसरे। उन्होंने पूछा सचमुच तुम कहाँ गए थे, 7 दिन जीवित कैसे रहे। वो कहे हम मरे ही नहीं, तो उनका विश्वास क्यों कर हो, तो भगवान ने इसलिए वो अंगूठी दी थी कि विश्वास हो जाएगा। अंगूठी वह सोना के आसपास भी कौन नहीं, वो सोने की नहीं ऐसी धातु की थी, अन्य धातु की, दिखाया देख भगवान ने ये अंगूठी दी है, यहाँ तो ऐसी धातु भी नहीं है, उस पर कृष्ण नाम लिखा था, सबका विश्वास हो गया। तो कहने का भाव ये है, इसमें आया है पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी ढेठाई, ढेठ यानी कितनी हौसला किया, ढेठ माने कितनी जो है हिम्मत करी। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी ढेठाई, वो नर पाला जीत गए रजिन सिर धड़की बाजी लाई, नर वो पाला जीत गए रजिन सिर धड़की बाजी लाई, कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई, बिन चेते झूठा सो रहे कुछ जाइयो रे शुक्र मुकर के, कुछ जाइयो शुक्र मुकर के, कुछ जाइयो रे शुक्र मुकर के, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जह करके। तो इसीलिए कहा कि कुछ अच्छे काम करके जाइयो, संसार छोड़कर तो जाना ही तुम्हें पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा पाने के लिए हम योगों से भटक रहे हैं। अब ऐसी ऐसी साधनाएं भी कर ली, परमात्मा ने ऐसी लीलाएं भी दिखा दी, तो भी मोक्ष नहीं था जब तक वो कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आए और इस सत साधना उनको नहीं मिली जो आज आपको मिली है। इसी से मोक्ष होगा, इसी से संसारिक सुख होंगे। अब ये पीक टाइम था, वहाँ कुछ भक्ति उनकी कराकर परमात्मा लाते रहे। कहते हैं सोच अच्छी दर मैं करूँ अपने जन के काज, शेख फरीद के पास पहुँच के उनकी भक्ति बढ़ा दी, सत भक्ति करवाई। तो पुणात्मा आपके ऊपर कितनी मेर मालिक की, वो सतनाम और असली नाम सीधे ही मिल रहे हैं आपको, किसी प्रकार का कोई विशेष प्रयत्न नहीं, आपके पास संदेश भिजवा रहे हैं परमात्मा, क्योंकि ये पीक टाइम आ गए, ये प्राइम टाइम है उस परमेश्वर के पाने का, या बिचली पीढ़ी का समय है। इस समय जिसका मानव शरीर है वो पुण्यकर्मी प्राणी है, उससे भी पुण्यकर्मी वो है जिनको परमात्मा का यू मार्ग मिल गया, उनमें से आप हो। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव जय हो। Yeah.
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हेमचंद दास। हेमचंद जी कहाँ से आए? मैं जिला सोलन हिमाचल प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2008 में महाराज जी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ चुका था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले मैं अपने इलाके गांव में महाकाली का मंदिर, वहाँ पुजारी रहा 15-20-25 साल से, वहाँ पूजा का काम करता था और जागरण कीर्तन, भजन कीर्तन और वो भी जो भी कुछ जैसी पूजाएं आम चलती हैं उस तरह के हम किया करते थे, भंडारे वगैरह आदि किया करते थे। सर आप खुद एक मंदिर के पुजारी थे, बहुत सारी पूजाएं आप करते थे, तो फिर सर आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या आन पड़ी? संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा हुई। वो अखबार में कुछ लेख आते थे तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया, 2005-06 में आते थे, मैं उन अखबारों को धार्मिक पृष्ठ को रख लिया करता था, लेकिन कुछ समय पश्चात जैसे मैं रद्दी से वो मैंने कागज़ निकाला तो उससे मुझे एक लेख मिला, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा प्रस्तुत किया गया था लेख मिला, मैंने पढ़ा और पढ़ते मेरे दिल में एक ऐसी ठेस सी लगी कि ये ज्ञान कहाँ छुपा हुआ था। फिर उसके पश्चात मैंने उसमें कुछ नंबर देखे और नंबर देखने के बाद पुस्तकें मंगवाई और जब उसमें ज्ञान पढ़ा तो मैं हैरान रह गया कि पाँव के तले की ज़मीन जो है खिसक चुकी थी, क्योंकि एक मंदिर में पुजारी होने के नाते मुझे ये ज्ञान इस तरह से मिल रहा है, पहले से ऐसा ज्ञान हमें कभी सुना नहीं था, जो कि महाराज की कृपा, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये ज्ञान हमें उस अखबार के माध्यम से, उसकी कटिंग भी आज मैंने रखी हुई है प्रमाण के तौर पर, तो वो मेरे लिए एक वरदान साबित सिद्ध हो गई और मैं इस तरह से पुस्तकें मंगवा कर महाराज के ज्ञान से परिचित हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी कृपा की। सर जैसा कि आप मंदिर के पुजारी थे, निश्चित ही आपको बहुत सारे लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा होगा, आपके पड़ोसियों का या आपके गांव वालों का, तो सर उस टाइम क्या परिस्थिति रही आपके साथ? मैंने बताने की कोशिश बहुत की और ये जताना ज़रूर किया कि भी कुछ ऐसा ज्ञान भी है वो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन किसी ने इस बात पर, हमारे बातों पर गौर नहीं किया और हमें ये कह दिया कि आप ये ज्ञान यहाँ मत सुनाओ, आप इस तरह की बातें यहाँ मत करो। पर लेकिन मुझे लग रहा था कि महाराज की कृपा है, संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है, ये जन जन को बतानी चाहिए और मैंने इसमें पूरा प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन मालिक की कृपा ऐसी रही कि भाई मुझे इस ज्ञान से कोई डिगमगा नहीं सका। सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप बहुत सारी साधनाएं करते थे जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है, देव देवताओं की पूजा। सर आपको ऐसी कौन सी बातें संत रामपाल जी महाराज ने बताई जिससे आप प्रभावित हुए कि ये ज्ञान कहाँ छुपा था, ये बातें मैंने आज तक नहीं सुनी? सर ऐसी कौन सी बातें आपको लगी जिससे आप और ज़्यादा प्रभावित हुए? मैं इस बात से ज़रूर प्रभावित हुआ कि भी मैं आज तक यही मानता रहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई है नहीं, लेकिन जैसे ही महाराज की ये बात और ये ज्ञान पुस्तक से पढ़ी कि कबीर परमात्मा है, सोचकर हैरान हुआ कि कबीर परमात्मा, ये तो हम पढ़ा करते थे, दोहे पढ़ा करते थे, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकु लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, वो संत रामपाल जी महाराज गुरु रूप में हमें प्राप्त हुए। इस तरह से हमें ज्ञान जब प्राप्त हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर महान शक्तियां हैं, पूर्ण कबीर परमात्मा जो है, पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, वही सृजनहार है, ये हमें ज्ञान हुआ। सर हिंदुस्तान में लाखों धर्मगुरु हैं, आपने हिमाचल से सैकड़ों किलोमीटर दूर हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? महाराज की ऐसी कृपा हुई कि परमात्मा ने अंदर एक ऐसी प्रेरणा जगाई कि जो ज्ञान उन्होंने दिया कि वो मंत्र जिससे हमारा आत्म कल्याण होना है, जिससे हमारा जन्म मरण का रोग घटेगा जो हम जनों जनों से भोग कर आ रहे हैं, और ये ज्ञान हुआ कि हमें इस मोक्ष से ये मंत्र जो है महाराज जी हमें प्रदान करेंगे, तो हमें ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ हुआ और एक बहुत बड़ा मंत्र से हमें परमात्मा ने जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने ये हमें दान दिया, तो उनकी बड़ी कृपा रही। सर आप एक मंदिर के पुजारी रहे हैं, निश्चित ही आपने तीर्थ व्रत किए होंगे, आपने श्राद्ध भी निकाले होंगे, पितर पूजाएं भी की होंगी, लेकिन जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार की सभी साधनाओं को मना करते हैं, क्या ये सही है? अगर सही है तो कैसे?
महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि इस तरह की ये शास्त्रों के विरुद्ध साधनाएं आप लोग कर रहे हैं, हमें शास्त्रानुकूल साधना करनी है, जो कि महाराज ने अपने ज्ञान में बताई है और सत्संग में सुनाते हैं और पुस्तकों में बताते हैं और हर एक भक्त को एक अपने इस ज्ञान के माध्यम से प्रेरणा जगाते हैं कि आप लोग शास्त्रानुकूल साधना करो। और जो आप साधना हम कर रहे थे, ये श्राद्ध निकालना, व्रत रखना, बहुत व्रत रखे, बहुत मतलब श्राद्ध वगैरह निकाले, लेकिन हमें इससे कोई लाभ नहीं होने वाला था। लाभ तो हमें महाराज द्वारा बताई गई, श्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई विधि से ही, जो शास्त्रानुकूल है, उसी से ही हमें ज्ञान होना था, उसी से ही हमारे आत्मकल्याण होना था और इसी साधना से ही हम परमात्मा को, पूर्ण ब्रह्म कवि परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सर, आप एक मंदिर के पुजारी रहे हैं, आपने लोगों को कहा होगा कि तीर्थ व्रत नहीं करेंगे तो हानि हो जाएगी, अगर पितृ पूजा नहीं करेंगे तो हानि हो जाएगी। निश्चित ही ये बातें आपको बचपन में सुनने को मिली होगी। सर, क्या आपको पितृ पूजा बंद करने से या तीर्थ व्रत नहीं करने से कोई हानि हुई? परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मुझे कोई हानि नहीं हुई और मैं ये अपने आसपास जो भी जानकार हैं, मित्र हैं, गांव वाले हैं, मैं उनसे कहता हूं कि हमें कोई हानि नहीं हुई। क्यों हानि हो सकती है? क्योंकि हम परमात्मा के समर्थ, परमात्मा के शरण में जा चुके हैं, क्योंकि इस परमात्मा के द्वारा जो भी विधि विधान ज्ञान का है उसमें हमारी रक्षा हो रही है। तो ये देवी देवता, ये श्राद्ध निकालने से जो भी ये छोटी मोटी लाभ है, इससे कोई प्रभावित नहीं हुए, हमें कोई दोष नहीं हुआ और हमें बल्कि अत्यधिक लाभ हुआ परमात्मा की इस कृपा से। सर, संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको आध्यात्मिक, भौतिक और बहुत सारे ऐसे लाभ होते हैं जो कि आज तक उनको केवल सुनने को मिले थे। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? महाराज, संत रामपाल जी से ज्ञान और नाम लेने के बाद सबसे बड़ा लाभ जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, ऐसा ज्ञान जो हमने पहले कभी सुना नहीं था, ऐसा ज्ञान जो हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त करवाएगा, ऐसा ज्ञान जो पूरी आत्मसंतुष्टि और बिल्कुल शरीर हल्का फुल्का हो जाएगा, ऐसा ज्ञान परमात्मा ने हमें प्रदान किया और शारीरिक लाभ भी हुए। जैसे कि भक्तमती जी को पैरालाइज की शिकायत थी, वो जब डॉक्टर से रिपोर्ट करवाई गई तो डॉक्टर भी कहने लगे कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है और आप शिव को जल चढ़ाओ। हमने कहा कि डॉक्टर साहब, हम तो शिव के मंदिर में, माता के मंदिर में पहले से ही पुजारी हैं, तो जल चढ़ाने से हमें क्या लाभ होगा? लेकिन सबसे बड़ा लाभ हमें परमात्मा के नामदान से प्राप्त हुआ और आज आत्मसंतुष्टि, बहुत बड़ी संतुष्टि हुई और सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान लाभ हुआ हमें। जैसे कि श्री संत रामपाल जी महाराज, परमात्मा स्वरूप जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, उनकी कृपा से हमें ये सारा ज्ञान, आध्यात्मिक लाभ हुआ, शारीरिक लाभ हुआ और आर्थिक लाभ हुआ। सर, आप 2008 से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, उसके बाद बरवाला की घटना होती है और उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। सर, आपके क्या विचार हैं इसमें? महाराज जी जो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, इसमें ये जो नकली ज्ञान दे रहे हैं उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। और महाराज जी ने सबके शास्त्र, सारे शास्त्र खोल कर बता दिए, सबके सबका ज्ञान जो है खोल कर ये दिखा दिया है कि कौन क्या बोल रहा है। तो महाराज जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे शास्त्र खोल कर शास्त्रानुकूल जो साधना बताई है, कबीर परमात्मा के पूरा पूरा नाम दिया गया है, कबीर जी का नाम दिया गया है, गीता जी में कबीर जी का नाम दिया गया है, गुरु ग्रंथ जी में, गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहिब जी का नाम दिया गया है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक पेज खोलकर सबके सामने खोल खोल कर बता दिया है और पूरे रूप से ये ज्ञान सब जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया है। सर, आप एक मंदिर के पुजारी रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि संत की पहचान इस समाज में कपड़ों से, मालाएं पहनने से, जटा बढ़ाने से, दाढ़ी बढ़ाने से होती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के विषय में ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज बहुत ही साधारण सी वेशभूषा रखते हैं, उनको संत मानना आम समाज के लिए कितना मुश्किल है? भाई साहब, इसमें सब जो सबसे बड़ी बात है कि श्री संत रामपाल जी महाराज ने, जो उन्हें सारे शास्त्रों का ज्ञान है, सिर्फ एक हिंदू वेद धर्मों का नहीं, गीता का नहीं, इन वेद और गीता से लेकर कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और सभी वाणियों का जो गूढ़ रहस्य जानते हों, वो एक संत की पहचान है कि सारे गूढ़ रहस्य उन्होंने जनता के सामने खोल के बता दिए कि कबीर परमात्मा ही पूर्ण परमात्मा है, वही सर्वशक्ति है, वही पूजनीय है। कंठी माला सुमरनी, पहरे से क्या हो, ऊपर डुंडा साध का और अंतर राख्या को, इस तरह से ये जो चोला पहनकर साधु महात्मा टीका बिंदी लगाकर ये जो ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर इन्हें शास्त्रानुकूल ज्ञान नहीं है और ये ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं, इससे संत की पहचान नहीं होती है। संत की पहचान शास्त्रानुकूल
और उसमें गूढ़ रहस्य जो छुपे हुए हैं उनको जो खोल कर बता दें, वही संत की पहचान है। और बिल्कुल साधारण विषय में और समदृष्टि, सब पर एक दृष्टि रखने वाले वही संत होते हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके माध्यम से हम प्रार्थना ही करना चाहेंगे सभी भक्त भाई बहनों से कि परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान, परमात्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान गंगा, धरती पर अवतार और अन्य पुस्तकें आप ध्यान से पढ़ें, महाराज द्वारा दिया गया सत्संग ध्यान से सुने। हमारे अंदर जब ये ज्ञान पहली बार प्रवेश हुआ तो हजारों सवाल पैदा हुए, लेकिन हर सवालों का जवाब उस ज्ञान गंगा के अंदर है और महाराज संत रामपाल जी के सत्संग में है, वचन में है, हर एक जवाब उसी में आपको मिल जाता है। फिर भी भगत एक दूसरे से भी पूछने की कोशिश करते हैं, आप प्रेम पूर्वक सुने, ध्यान से सुने और सत्संग में जो है पूरा ध्यान रखें। जहाँ भी सत्संग हो रहे हों तो उसमें महाराज की जो भी एक एक वाणी, एक एक शब्द पूरे एक भागवत के बराबर है, उससे हमें हर सवाल का जवाब प्राप्त होता है। सर, संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, आज आपका भाव उनके प्रति कैसा है? पहले से काफ़ी ज़्यादा, इसलिए कि महाराज जी एक सच्चाई के लिए, सुना था पहले हम जब जुड़े नहीं थे तो 2006 में महाराज जी जेल धाम में गए हुए थे, तो उस वक्त हमें ज्ञान हुआ था कि भी महाराज जी एक सच्चाई को लेकर चल रहे हैं, तो जो सच्चाई उन्होंने आज से 20-25 साल पहले बोल दी वही सच्चाई 2006 में भी बोली, वही सच्चाई आज भी बोली है, जिस सच्चाई के खातिर वो जेल धाम में बैठे हैं। और कहते हैं कि सच बोलने वाला कभी डरता नहीं है, उन्होंने दुनिया को जगा दिया है और हर एक आत्मा को उन्होंने उठा दिया है कि आप पढ़िए और अपने ज्ञान को समझिए और अपना आत्म कल्याण करिए और परमात्मा की शरण में जल्दी से जल्दी आइए। सर, क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के जेल में होने के बावजूद भी लाखों लोग उनसे जुड़ रहे हैं, जेल में भी बहुत सारे लोगों ने उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर उनके अनुसार चलना शुरू कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? इसलिए कि महाराज के उस ज्ञान को समझकर जल्दी से जल्दी जितनी भी भक्त आत्माएँ हैं वो नाम लेना चाहती है, क्योंकि वो पहले की पूजाओं से, पहले की किए गए साधनाओं से कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन परमात्मा के नाम दान से शारीरिक कष्ट, दैहिक, दैविक, मानसिक तीनों ताप बड़ी जल्दी से शीघ्र मतलब वो तीनों तापों का निवारण हो रहा है। तो इसलिए महाराज के उस ज्ञान को समझकर, उस ज्ञान को पढ़कर, जानकर शीघ्र महाराज के नामदान से जुड़ रहे हैं, जिससे उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और ये सुनकर हमारा हृदय भी गदगद होता जाता है कि सच्चा ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस धरती पर, जो कि एक संपूर्ण कबीर परमात्मा के अवतार हैं, महाराज जी एक कबीर परमात्मा के अवतार हैं, वो जेल धाम में नहीं है, जेल में तो हम हैं, हम काल की जेल में फंसे हैं और हम इस जेल से छुड़ाने के लिए महाराज एक जेल धाम में एक साधारण संत की भूमिका कर रहे हैं। हिमाचल के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसे संत से क्या नाम लें जो आज जेल में है? अपने सभी पहाड़ी भाइयों से ये कहना चाहूँगा मैं कि भाई जल्दी से जल्दी आओ भाई, ये ज्ञान हमारी भाई बहनों, इस ज्ञान को तुम इस तरह से समझो कि भाई ऐसा ज्ञान हमें पहले कभी नहीं मिलना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541, 8222880542, 8222880543, 8222880544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।